Hello everyone, this is one short video of Society Law and Ethics. Digital footprint kya hai? A digital footprint is the impression you create on internet. Digital footprint wo impression hai, wo prabhav hai jo aap internet pe create karte ho through your online activity, apne online activity ke through, right? Which includes browsing, jisme kya include hota hai, aapka searching include hoti hai, kis type ka data aap search kar rahe ho, browse kar rahe ho, interaction with others, aap social media sites pe jo interactions karte ho wo include hota hai and publication of content. Aap jab apna khud ka कंटेंट पब्लिश करते हो वो भी क्या है, वो भी एक इंप्रेशन क्रिएट करता है, राइट, जिसको डिजिटल फुटप्रिंट कहा जाता है. ओके, इन अदर वर्ड्स इट इज द ट्रेल ऑफ डेटा इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल यू लीव बिहाइंड व्हाइल सर्फिंग द इंटरनेट. तो ये क्या है, ट्रेल ऑफ डेटा है, सीरीज ऑफ डेटा है जो आप इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इंटरनेट पर छोड़ देते हैं जब आप इंटरनेट को क्या करते हैं, सर्फ करते हैं, राइट. सर्फ करना मतलब आप उस पर एक्टिविटीज करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ब्राउज करते हैं, राइट. तो जब आप कुछ भी करते हैं इंटरनेट पे तो क्या होता है, कुछ ना कुछ आप इंप्रेशन वहां पर छोड़ रहे हैं और वो इंप्रेशन क्या कहलाता है, डिजिटल फुटप्रिंट. Now we have types of digital footprint. There are two main classification of digital footprints. Digital footprints two types ke hote hain, active digital footprint and passive digital footprint. Okay, active digital footprint kya hai, information knowingly shared or collected. Jo information aap knowingly jante hue share kar rahe ho internet pe ya collect kar rahe ho, like aapne social media pe apni pics ko kya kiya, post kiya, to ye kya hai, aapka active digital footprint. राइट, आप जानते हो आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, राइट. एंड सेकंड क्या है, आपका पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट, इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड विदाउट योर अवेयरनेस और परमिशन. जो इन्फॉर्मेशन आपके बिना परमिशन के कलेक्ट की जाती है, ओके, आप उस इन्फॉर्मेशन के बारे में अवेयर नहीं होते, वो क्या होता है, आपका पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट होता है, राइट. First we have active digital footprint. An active digital footprint can be defined as intentional data trail. Active digital footprint को intentional data trail भी कहा जाता है. ये वो data है जो कोई भी person intentionally internet पर छोड़ता है, okay? That an individual leaves behind intentionally, okay? तो ये यहाँ पे active digital footprint वो series of data है जो individual जानते हुए इंटेंशली इंटरनेट पर छोड़ता है, सच एज फेसबुक, ट्विटर एंड ब्लॉग पोस्ट. जैसे फेसबुक पे इंटरेक्ट करना, ट्विटर पे ट्वीट करना, ब्लॉग पोस्ट, ओके, ब्लॉग पोस्ट डालना, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कनेक्शंस क्रिएट करना, इमेज एंड वीडियोस को अपलोड करना, ईमेल करना, फ़ोन कॉल्स करना, राइट. फ़ोन कॉल्स क्या, ऑनलाइन फ़ोन कॉल्स, राइट. एंड वीडियो चैट, ऑडियो चैट एंड आपका टेक्स्ट चैट करना, ओके, आर अमंग द वेज पीपल क्रिएट एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट. तो यहाँ पे जो डेटा इंटरनेट पर जो ट्रेल ऑफ डेटा रह जाता है, ओके, तो वो कौन सा होता है, वो आपका एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट है, फाइन. यहाँ पे पर्सन को पता होता है कि वो क्या कर रहा है, राइट. वो खुद से ये डेटा इंटरनेट पर क्रिएट कर रहा है, राइट. नेक्स्ट वी हैव पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट. A passive footprint is defined as the unintentional traces. तो passive footprint क्या है, unintentional data है जो कोई भी individual unknowingly internet पर create करता है, that an individual creates on the internet unknowingly, okay? जैसे इसके examples देखेंगे, using apps and websites, उन apps और websites को use करना जो क्या use करती हैं, geolocations use करती हैं to pinpoint a user's whereabouts, ये जानने के लिए कि उस particular user की location क्या है, fine. ओके, तो अगर आप ऐसी ऐप्स या वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं तो वो वेबसाइट्स क्या करेंगी, वो ऐप्स क्या करेंगी, आपकी लोकेशन को सेव कर लेंगी, राइट. ओके, ब्राउजिंग प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज, प्रोडक्ट्स को ब्राउज करना डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके, जैसे आप क्या करते हो, फ्लिपकार्ट से आप क्या करते हो, परचेजिंग करते हो, या फिर आप अमेजोन, डिफरेंट आपकी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप प्रोडक्ट्स को बाय करते हो, राइट. तो इन दिस केस क्या होगा, विच एडवर्टाइजर्स कंपाइल एंड एनालाइज टू प्रोफाइल यू. यहाँ पे क्या होता है, जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो आपको आपकी ब्राउजिंग देखते हैं कि आप किस टाइप का डेटा ब्राउज करते हो, ओके, और उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट देना शुरू कर देते हैं, ओके.
अब क्वेश्चन है, हाउ डू वी लीव डिजिटल फुटप्रिंट? आप कैसे डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट करते हो इंटरनेट पर? ओके, आप अपना कैसा सीरीज ऑफ डेटा छोड़ते हो इंटरनेट पर? तो यहाँ पे बहुत सारे वेज हैं, दिस हैपन्स इन मैनी वेज, हेयर आर सम ऑफ देम। तो इसमें से कुछ हम देखेंगे। जैसे आप सोशल मीडिया साइट्स पर क्या करते हो, पोस्ट करते हो, पोस्टिंग ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो अगर आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आप उन पर क्या कर रहे हो, पोस्ट क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पर आप क्या क्रिएट कर रहे हो, आप अपना डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट कर रहे हो। ओके, फिलिंग आउट द ऑनलाइन फॉर्म्स, जब आप ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करते हो, सच एज व्हेन साइनिंग अप टू रिसीव द ईमेल्स और टेक्स्ट, जब आप अपने मैसेजेस ईमेल्स को रिसीव करने के लिए अपने ईमेल अकाउंट को साइन अप करते हो। ओके, एग्रीइंग टू इंस्टॉल कुकीज ऑन योर डिवाइस व्हेन प्रॉम्प्टेड बाय द ब्राउजर। समटाइम्स क्या होता है, कुछ वेबसाइट्स आपको मैसेज भेजती हैं। ओके, जो एग्रीमेंट मैसेज होते हैं कि आप एग्री करो कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट आपके सिस्टम पर कुकीज को इंस्टॉल कर सकती है, राइट? तो वहां पे अगर आपने क्या किया, उस पे टिक कर दिया, उसके मैसेज को एक्सेप्ट कर लिया, तो आपके सिस्टम्स पे कुकीज वो इंस्टॉल कर देंगे। कुकीज क्या होगा, वो आपका कंप्लीट डेटा, जो भी आप सर्च कर रहे हो इंटरनेट पे, वो सारा उन कुकीज में जाके स्टोर होता रहेगा। तो ये किस टाइप का फुटप्रिंट क्रिएट होगा, ये पैसिव आपका डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट करेगा, राइट? Now we have tips to manage your digital footprint. आप अपने digital footprints को कैसे manage कर सकते हैं? Treat your password like your toothbrush. Don't share it with anyone and change it often. अपने password को अपने toothbrush की तरह treat करो, उसे किसी के भी साथ share मत करो और उसको जल्दी, मतलब most often उसको change करते रहो, right? उसको जल्दी जल्दी change करते रहो। Always remember to log off when you have finished with an online service. जब भी आप कोई online service यूज़ करते हो, राइट? जैसे आपने अपना ईमेल अकाउंट यूज़ किया, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको लॉग ऑफ कर देना चाहिए, लॉग आउट कर देना चाहिए, जैसे ही आपका काम फिनिश हो जाता है। यूज़ योर ओन डिजिटल फुटप्रिंट्स टू रिमेंबर योर फेवरेट वेबसाइट्स। अच्छा, अपने खुद के डिजिटल फुटप्रिंट्स को यूज़ करो अपनी फेवरेट वेबसाइट्स को रिमेंबर करने के लिए। और आपके खुद के डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या हैं, आपके हिस्ट्री बटन, राइट? आप ब्राउज़र के हिस्ट्री बटन में जाके अपनी फेवरेट वेबसाइट्स को फिर से ओपन कर सकते हो। आपके बुकमार्क्स, राइट? बुकमार्क्स की हेल्प से आपका जो भी डेटा आप दोबारा से सर्च करना चाहते हो, आप बुकमार्क्स की हेल्प से उनको रिसीव कर सकते हो, उनको अपने ब्राउज़र से ब्राउज़ कर सकते हो, राइट? Remember that most of the website you visit will make a note of your visit and may also track the websites you visit before and after the website. तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि हमेशा याद रखो, जब भी आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो तो वो क्या नोट करती है, वो आपके विजिट को नोट करती है और वो ये भी ट्रैक करती है कि आपने इससे पहले कौन सी वेबसाइट्स को विजिट किया और उनकी वेबसाइट को विजिट करने के बाद आपने कौन सी वेबसाइट्स को विजिट किया। ओके, लेट एन अडल्ट know if anything you read or see makes you feel worried or upset. अगर ऐसा कुछ होता है कि आपके पास कुछ ऐसा डेटा आ रहा है जिसको पढ़कर या जिसको देखकर आप बहुत ही परेशान हो जाते हैं या अपसेट हो जाते हैं, इस केस में आपको वो पूरी इंफॉर्मेशन अपने एडल्ट्स को देनी चाहिए, अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को या अपने बड़ों को देनी चाहिए। ओके, तो डिजिटल सोसाइटी क्या है? डिजिटल सोसाइटी इज अ मॉडर्न सोसाइटी डेट हैज अडॉप्टेड एंड इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। डिजिटल सोसाइटी वो मॉडर्न सोसाइटी है जिसने लाइफ के हर एस्पेक्ट में अडॉप्ट कर लिया है, बसा लिया है, इंटीग्रेट कर लिया है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, राइट? तो आज की सोसाइटी हमारी कौन सी सोसाइटी है? डिजिटल सोसाइटी है। आप जानते हैं कि लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसमें आज हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। आप ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं, आप कोई भी चीज़, कोई भी आप सामान बाय करने जा रहे हैं कहीं पे मॉल में, वहाँ पे भी आप क्या करते हो, डिजिटल पेमेंट करते हो, राइट? आप घर पे बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। ओके, दीज टेक्नोलॉजीज इंक्लूड, तो ये टेक्नोलॉजीज क्या इंक्लूड करती है, मोबाइल एंड क्लाउड टेक्नोलॉजीज। इनके अंदर मोबाइल एंड क्लाउड टेक्नोलॉजीज आती हैं, आपका बिग डेटा आता है, इंटरनेट इंक्लूड होता है एंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, वो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है जिसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं। जैसे आपका एक एग्जाम्पल ले लो, आपके पास अलेक्सा है, अलेक्सा क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, राइट? आप उसमें क्या करते हो, कमांड देते हो एंड इट विल वर्क अकॉर्डिंगली। ओके, तो आज की जो सोसाइटी है वो कौन सी सोसाइटी है? डिजिटल सोसाइटी है, बिकॉज वी आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, वी आर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड बाय यूजिंग द डिजिटल टेक्नोलॉजी, राइट?
In a digital society, people, group, institutions are connected through technology. एक digital society में लोगों के group और जितने भी institutions होते हैं, right? वो एक दूसरे से connect होते हैं with the help of technology, especially the internet, right? तो ये जो टेक्नोलॉजी सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है, जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है वो क्या है? इंटरनेट है, राइट? इंटरनेट क्या है? एक डिजिटल सोसाइटी क्रिएट करती है, ओके? क्यों? इंटरनेट जितने भी देखो थ्रू आउट द वर्ल्ड वी आर एबल टू कनेक्ट विद एनी पर्सन. हम क्या कर सकते हैं कि वर्ल्ड के अंदर किसी भी पर्सन से बात कर सकते हैं, किसी भी पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो यूएसए में हो, चाहे वो लंदन में हो. किसकी हेल्प से? इंटरनेट की हेल्प से, ओके? डिजिटल टेक्नोलॉजी की हेल्प से, राइट? डिजिटल इनोवेशंस आर रीशेपिंग द सोसाइटी. जो नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, ओके, इन्वेंशंस हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? हमारी सोसाइटी को रीशेप कर रहे हैं, एक नया लुक दे रहे हैं. इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी को चेंज कर रहे हैं. एंड द इंडस्ट्रीज एट अ स्केल एंड स्पीड दैट हैज नेवर बीन सीन बिफोर. और इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है? इंडस्ट्रीज का स्केल और स्पीड, मतलब ये सब चेंज हो रहा है. और किस स्पीड पे हो रहा है? जो हमने पहले कभी नहीं देखी है. ओके, एनीवन हु यूजेस डिजिटल टेक्नोलॉजी अलोंग विद द इंटरनेट, जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है इंटरनेट के साथ, उसको क्या कहा जाता है? उसे डिजिटल सिटीजन कहा जाता है, या आप उसको नेटिजन कह सकते हैं. ओके, तो आज की लाइफ में तो जितने लोग हैं सब नेटिजन हैं, राइट? क्योंकि सब इंटरनेट यूज करते हैं, सब डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं. ओके, व्हाइल ऑनलाइन ऑल ऑफ अस नीड टू बी अवेयर ऑफ हाउ टू कंडक्ट आवरसेल्फ्स. अब देखो नेटिजंस क्या है, जो भी पर्सन इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, उनको क्या करना है? उनके लिए एक रिक्वायरमेंट है. ऑल ऑफ अस नीड टू बी अवेयर ऑफ हाउ टू कंडक्ट आवरसेल्फ्स, कि आपको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे कंडक्ट करना है, हाउ बेस्ट टू रिलेट विद अदर्स, आप कैसे दूसरे लोगों से रिलेट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, एंड व्हाट एथिक्स मॉरल्स एंड वैल्यूज टू मेंटेन, और आपको कौन से मॉरल्स वैल्यूज को मेंटेन करना है जब आप डिजिटली किसी से कनेक्ट हो रहे हैं. ओके, अ रिस्पॉन्सिबल नेटिजन. अब नेटिजन कौन है? वो पर्सन जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है अलॉन्ग विद इंटरनेट, राइट? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? अ रिस्पॉन्सिबल नेटिजन मस्ट अबाइड बाय नेट एटिकेट्स. तो एक रिस्पॉन्सिबल नेटिजन को एक्सेप्ट करने चाहिए, नेट एटिकेट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, कम्युनिकेशन एटिकेट्स को एंड सोशल मीडिया एटिकेट्स को, राइट? एटिकेट्स क्या होते हैं? एटिकेट्स होते हैं हमारे मैनर्स, कैसा हमारा व्यवहार है, ठीक है? तो एक नेटिजन है, अगर वो डिजिटली काम कर रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, तो इसको यूज़ करते टाइम उसको कुछ एटिकेट्स फॉलो करने होते हैं. जैसे नेट एटिकेट्स हो गए, इंटरनेट यूज़ करते वक्त वो कौन से एटिकेट्स को यूज़ करे, ठीक है? कम्युनिकेशन, अगर वो कम्युनिकेट कर रहा है इंटरनेट के थ्रू, तो कम्युनिकेट कैसे करे. सोशल मीडिया एटिकेट्स, अगर वो सोशल मीडिया साइट्स पर है तो उसे कौन से एटिकेट्स को यूज़ करना चाहिए, राइट? फर्स्ट वी हैव नेट एटिकेट्स. नेट एटिकेट्स वो एटिकेट्स हैं, वो मैनर्स हैं जो आपको इंटरनेट यूज करते टाइम फॉलो करने चाहिए. ओके, वी नीड टू एग्जिबिट प्रॉपर मैनर्स एंड एटिकेट्स वाइल बीइंग ऑनलाइन. जब आप ऑनलाइन हैं तो आपको प्रॉपर मैनर्स और एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए. वन शुड बी एथिकल, रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पॉन्सिबल वाइल सर्फिंग द इंटरनेट. किसी भी पर्सन को एथिकल रहना चाहिए, रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए जब वो इंटरनेट को सर्व कर रहा है, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, बी एथिकल. ओके, तो बी एथिकल, आप कैसे एथिकल बन सकते हैं? नो कॉपीराइट वायलेशन, आपको कॉपीराइट वायलेशन नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट यूज कॉपीराइटेड मटेरियल, आपको किसी का भी कॉपीराइट मटेरियल डाउनलोड करके यूज नहीं करना है विदाउट द परमिशन ऑफ द क्रिएटर और ओनर, राइट? जब तक ये परमिशन नहीं है आप किसी का भी कॉपीराइट मटेरियल यूज नहीं कर सकते. अगर आप करते हैं तो वो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट माना जाता है, वो एक क्या होता है? क्राइम होता है. एज एन एथिकल डिजिटल सिटीजन, एक एथिकल डिजिटल सिटीजन के रूप में वी नीड टू बी केयरफुल, आपको ये केयरफुल रहना चाहिए वाइल स्ट्रीमिंग ऑडियो. अगर आप ऑडियो या वीडियो स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, राइट? जैसे क्या होता है, आप मूवीज देखते हो, अगर क्या आप क्या करो, उस मूवीज की क्लिप आप चोरी कर लो या पूरी मूवी चोरी कर लो और उसको क्या करो, आप पायरेटेड फॉर्म में सेल आउट करो, तो वो क्या होगा? वो आप यहाँ पे कॉपीराइट वायलेशन कर रहे हैं, एक तरीके का क्राइम कर रहे हैं. ओके, एंड डाउनलोडिंग इमेजेस एंड फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट, ऐसी इमेजेस एंड फाइल्स अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं जिनके ऊपर कॉपीराइट लगा हुआ है, वो भी क्या है? क्राइम है. तो यहाँ पे आपको एथिकल होने की जरूरत है, कॉपीराइट वायलेशन आप ना करें. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या, शेयर द एक्सपर्टीज.
जो भी अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो आपको वो इंटरनेट के थ्रू दूसरे लोगों तक पहुंचानी चाहिए, ठीक है। इट इज़ गुड टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, अपनी इन्फॉर्मेशन को नॉलेज एंड नॉलेज को शेयर करना बहुत अच्छा है ऑन द इंटरनेट, सो दैट अदर्स कैन एक्सेस इट, जिससे दूसरे लोग भी उसका फायदा उठा सके, राइट। हाउ एवर प्रियर टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन वी नीड टू बी श्योर दैट वी हैव सफिशियंट नॉलेज ऑन दैट टॉपिक। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि आप अगर इंटरनेट के थ्रू इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, सफिशियंट आपको उस नॉलेज होनी चाहिए। मान लो आपको कोई पढ़ाने आ गया, मान लो मैथ्स पढ़ा रहा है कोई और वो गलत फॉर्मूलेस बता रहा है बच्चों को, तो उस केस में क्या है, वो बच्चों का नुकसान हो रहा है ना वहाँ पर, राइट। तो अगर आपको अच्छे से पढ़ाना आता है तभी आप पढ़ाओ, अगर नहीं आता तो आप ना पढ़ाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप अपनी एक्सपर्टीज को शेयर करो ऑनलाइन, राइट। द इन्फॉर्मेशन शेयर शुड बी ट्रू एंड अनएम्बिगुअस, जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो वो सच्ची होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, मतलब उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ भी शेयर कर रहे हो जो किसी को समझ ही ना आए। Also, in order to avoid redundant information, और ऐसा ना हो कि आप redundant information को share करो, वो information जो किसी और ने पहले से share कर रखी है आप उसकी copy बना के share करो। We should verify that the information is not available already on the internet, and आपको verify करने के बाद information को share करना चाहिए कि ये information already नहीं है internet पे, right? तो हमारा first point हमने यहाँ पे cover कर लिया है, be ethical. ओके अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है, बी रिस्पेक्टफुल, राइट। आपको दूसरों के प्रति रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए इंटरनेट पर। सबसे इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिस्पेक्ट प्राइवेसी, आप दूसरों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें। एज गुड डिजिटल सिटीजन्स वी हैव द राइट टू प्राइवेसी, जैसे हमको राइट मिला हुआ है प्राइवेसी का एंड द फ्रीडम ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन। आप क्या कर सकते हो, आपको पूरा राइट है अपनी किसी भी, अगर आप मान लो आपने एक बुक लिखी या आपने कोई भी ब्लॉग लिखा तो आप उस पर कॉपीराइट लगा सकते हो, ये आपका है, ओके, ये आपकी प्राइवेसी है। आपको फ्रीडम दी गई है अपनी पर्सनल चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने पर्सनल व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए। एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अदर डिजिटल सिटीजन्स आल्सो हैव द सेम राइट्स एंड फ्रीडम। तो इसी तरीके से दूसरे लोगों को भी, दूसरे नेटिजन्स को भी सेम फ्रीडम दी गई है, सेम राइट टू प्राइवेसी दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप किसी ने कोई अपना व्यू शेयर किया, कोई अपना ओपिनियन शेयर किया तो आप उसको जाके वहां पे थ्रेट मैसेजेस देने लग जाओ या उसके बारे में डेरोगेटरी कमेंट्स करने लग जाओ। तो ये आपको समझना होगा कि जैसे आपके लिए ये राइट्स दिए गए हैं वैसे ही दूसरे नेटिजन्स के लिए भी ये राइट्स दिए गए हैं, ओके। और आप किसी की पर्सनल एरिया में घुस नहीं सकते हैं, जैसे आपका राइट टू प्राइवेसी आपको दिया गया है वैसे ही दूसरों को भी दिया गया है। आप जैसे आप अपने अकाउंट को प्राइवेट बना सकते हो कि जिससे आपके फ्रेंड्स देखे, बाहरी लोग ना देख सके, वैसे ही दूसरे लोग भी इसको प्राइवेट बना सकते हैं, राइट। जैसे आप क्या करते हो, फेसबुक अकाउंट को प्राइवेट कर देते हो, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट कर देते हो, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है राइट टू प्राइवेसी, राइट, ओके। अब पर्सनल कम्युनिकेशन विद अ डिजिटल सिटीजन में इंक्लूड इमेजेस, डॉक्यूमेंट, फाइल्स एसेट्रा डेट आर प्राइवेट टू बोथ। अब यहाँ पे क्या देखो, हम इंटरनेट पे क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ और लोगों के साथ इमेजेस को शेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को शेयर करते हैं, फाइल्स को शेयर करते हैं। तो लेकिन ये क्या है, ये लोगों के जिनके साथ हम शेयर कर रहे हैं उनके बीच में ही रहने चाहिए, ओके। अगर आप क्या कर रहे हो, आपके फ्रेंड ने आपको पिक्चर कोई शेयर करी है और आपने क्या किया, उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उसकी प्राइवेसी को आप भंग कर रहे हो, राइट। क्योंकि उसने तो आपको एज अ फ्रेंड वो पिक्चर शेयर करी, पर आपने क्या किया, उसका ट्रस्ट तोड़ के वो पिक्चर आगे कहीं शेयर कर दी, ओके। तो ये की चीज क्या है, गलत है। वी शुड रिस्पेक्ट दिस प्राइवेसी एंड शुड नॉट शेयर दोज इमेजेस, हमें इस प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ओके, और वो इमेजेस, वो डॉक्यूमेंट्स और फाइल किसी और के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए विद एनी अदर डिजिटल सिटीजन विदाउट ईच अदर्स कंसेंट, जब तक कि आपको जिसकी पिक्चर, डॉक्यूमेंट, फाइल्स, ओके, आप यूज कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, जब तक कि आप उससे उसकी कंसेंट नहीं ले लेते हो तब तक आपको वो किसी और को शेयर नहीं करनी चाहिए, ओके। आपको दूसरों की प्राइवेसी के प्रति रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, ओके। सेकंड इसका पॉइंट क्या है, रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, ओके। आपको दूसरों की डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना चाहिए,
ठीक है, हम एक वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, ओके, अलग अलग टाइप के लोग हैं, तो वहाँ पे क्या है, एक दूसरे की डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ओके. इन अ ग्रुप और पब्लिक फोरम वी शुड रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल इन टर्म्स ऑफ नॉलेज. तो डाइवर्सिटी को आपको रिस्पेक्ट करना है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग नॉलेज होती है, अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, अलग अलग कल्चर होता है, और एंड अदर एस्पेक्ट्स, तो बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जिससे क्या है, लोग एक दूसरे से अलग करते हैं, अलग होते हैं, ओके. तो इस डाइवर्सिटी को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए. ऐसे नहीं कि कोई, मान लो आपको ब्राउन कॉम्प्लेक्शन का कोई पर्सन दिखा तो आप उसकी फोटो पे कमेंट कर दो, राइट. ऐसा नहीं करना है. मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया यहाँ पर. आपको हर जो भी डाइवर्सिटी है उसकी रिस्पेक्ट करनी है, ओके. तो देखो अब यहाँ पे हमने कौन सा पॉइंट कवर कर लिया, बी रिस्पेक्टफुल, ओके. ये हमारा सेकेंड पॉइंट कवर हो गया, बी रिस्पेक्टफुल. अब नेट एटिकेट का थर्ड पॉइंट क्या है, बी रिस्पॉन्सिबल. आपको एक रिस्पॉन्सिबल नेटिजन की तरह काम करना है. अवॉइड साइबर बुलिंग, आपको साइबर बुलिंग अवॉइड करनी है, नहीं करनी है. एनी इंसल्टिंग, कोई भी इंसल्टिंग, मतलब आप किसी की इंसल्ट ना करें. डिग्रेडिंग, डिग्रेडिंग क्या होता है, डिसरिस्पेक्टफुल, ठीक है, कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल. एंड इंटीमिडेटिंग, कोई भी इंटीमिडेटिंग क्या है, धमकी भरा, डराने वाला ऑनलाइन बिहेवियर आपको शो नहीं करना है. लाइक रिपीटेड पोस्टिंग ऑफ र्यूमर, जैसे आपको कोई र्यूमर दिखाई दी, ठीक है, आपने क्या किया, उसको रीपोस्ट कर दिया, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है. गिविंग ट्रेड्स ऑनलाइन, किसी को ऑनलाइन ट्रेड्स नहीं देनी है. आप क्या सोचते हो, मतलब छोटे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता है, अगर किसी उनकी लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ, तो वो क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्रेड्स दे देते हैं. बट इट्स अ साइबर क्राइम. आपके आईपी एड्रेस से आपका पता चल जाएगा कि आपने कहाँ से कौन सा फेक प्रोफाइल बना के ये काम किया है, फिर आप क्या होगा, आपको पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है. तो इस चीज को आपको अवॉइड करना है. पोस्टिंग द विक्टिम्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मान लो आपका कोई अच्छा फ्रेंड है, राइट, आपका झगड़ा हुआ, आपने क्या किया, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन कर दिया, ओके, उसे पब्लिक कर दिया, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं करनी है. ये भी क्या है, साइबर बुलिंग का पार्ट है. सेक्शुअल हैरेसमेंट और कमेंट्स, आपको ऑनलाइन सेक्शुअल हैरेसमेंट नहीं कर सकते, आप किसी के लिए डेरोगेटरी कमेंट्स नहीं कर सकते, ओके. एम्ड टू पब्लिकली रिडिक्यूल अ विक्टिम इज टर्म्ड एज साइबर बुलिंग, ठीक है. तो ये जो जितने भी यहाँ पे काम है, इनका एम क्या होता है, पब्लिकली रिडिक्यूल करना, विक्टिम का पब्लिकली मजाक उड़ाना, ओके. और ये किसके अंदर आता है, साइबर बुलिंग के अंदर आता है, और ये एज अ साइबर क्राइम कंसिडर होता है. इसके लिए भी लॉज बने हुए हैं, ठीक है. We need to realize that the bullying online can have very serious implications on the other person. और ये हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर आप ऑनलाइन बुलिंग कर रहे हैं तो जिस पर्सन के साथ आप ये सब कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक है. Also remember our actions can be traced back using our digital footprints. So आपने digital footprint पढ़ा है इससे पहले वाली वीडियो में, तो आपने जो भी actions लिए हैं उनको क्या कर लिया जाएगा, trace कर लिया जाएगा, और आप तक आसानी से पहुँचा जा सकता है by using the digital footprint, okay. Next point है, don't feed the troll. आपको troll को बढ़ावा नहीं देना है. An internet troll is a person. Internet troll एक person होता है who deliberately sows discord on the internet. जो जानबूझ के internet पर discord create करता है, झगड़ा विवाद उत्पन्न करता है by starting quarrels start कर देगा, और upsetting people, लोगों को upset करता है by posting inflammatory और off topic messages. भड़काऊ message को post करके, ओके, डेरोगेटरी कमेंट्स को पोस्ट करके इन एंड ऑनलाइन कम्युनिटी, किसी भी ऑनलाइन कम्युनिटी में जाके वो कुछ भी उल्टा सीधा बकवास करता है, ओके, जस्ट फॉर एम्यूजमेंट, अपने खुद के मजे के लिए. और लोग क्या करते हैं, उसको फॉलो करने लग जाते हैं, और इससे क्या होता है, ट्रोलिंग बढ़ती चली जाती है. तो आपको ऐसा नहीं करना है. सिंस ट्रोल्स थ्राइव ऑन अटेंशन, और ट्रॉल्स जो होते हैं उनको क्या, उनका मेन मोटिव क्या होता है, उन्हें अटेंशन चाहिए होती है. द बेस्ट वे टू डिस्करेज ट्रॉल्स इज नॉट टू पे एनी अटेंशन टू देयर कमेंट्स. तो यहाँ पे जो ट्रॉलिंग कर रहे हैं उनको रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उनकी कमेंट्स पर आप अटेंशन ही ना करें, राइट, उनको कोई रिप्लाई मत दो, ओके. तो यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, ओके, नेट एटिकेट्स का. बी रिस्पॉन्सिबल, ओके, अवॉइड साइबर बुलिंग, डोंट फीड द ट्रोल. नेक्स्ट वी हैव कम्युनिकेशन एटिकेट्स. जब आप इंटरनेट पे कम्युनिकेट करते हैं तो आपको कौन से एटिकेट्स को फॉलो करना होता है, वो आते हैं आपके कम्युनिकेशन एटिकेट्स के अंदर, ओके. डिजिटल कम्युनिकेशन इंक्लूड, जो डिजिटल कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर क्या क्या आता है, ईमेल, टेक्सटिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, टॉकिंग ऑन द सेल फोन, ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पोस्टिंग ऑन फोरम्स,
सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक्सेट्रा, तो आप इंटरनेट पे बहुत सारे वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ईमेल के थ्रू, टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू, इंस्टेंट मैसेजेस के थ्रू, राइट, आप ऑनलाइन कॉल्स करते हैं, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल्स करते हैं, फोरम्स के ऊपर पोस्ट करते हैं, सोशल मीडिया साइट्स पर जाके आप कमेंट करते हैं, तो ये सारा क्या है, आप इस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं. ओके, ऑल दीज आर ग्रेट वे टू कनेक्ट विद द पीपल. ये जो जितने भी तरीके हैं वो एक बहुत अच्छे ग्रेट तरीके हैं लोगों से कनेक्ट करने के लिए, इन ऑर्डर टू एक्सचेंज आइडियाज. इससे आप अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं, नॉलेज को शेयर करते हैं. ओके, गुड कम्युनिकेशन ओवर ईमेल, चैट रूम एंड अदर सच फोरम्स रिक्वायर अ डिजिटल सिटीजन टू अबाइड बाय कम्युनिकेशन एटिकेट्स. अगर आप चाहते हैं कि जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं थ्रू द इंटरनेट, ओके, ओवर द ईमेल्स, चैट रूम, आप चैट रूम्स में जाके जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फोरम्स में आप जाके जो पोस्ट कर रहे हैं, अपने व्यूज वहाँ पे आप पोस्ट कर रहे हैं, तो वो आप एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर आप कम्युनिकेशन एटिकेट्स को फॉलो करते हैं. ओके, तो यहाँ पे देखो कम्युनिकेशन एटिकेट्स के रूल्स बताए गए हैं, बी प्रिसाइज एंड बी पोलाइट, राइट. सो फर्स्ट वी हैव बी प्रिसाइज, राइट. आपको प्रिसाइज रहने की बहुत जरूरत है. रिस्पेक्ट टाइम, आपको टाइम की रिस्पेक्ट करनी है. वी शुड नॉट वेस्ट प्रीशियस टाइम इन रिस्पॉन्डिंग टू अननेसेसरी ईमेल्स और कमेंट्स. आप अपना प्रीशियस टाइम अननेसेसरी जो फालतू के ईमेल्स आए हुए हैं, कमेंट्स आए हैं, उनको रिप्लाई करने में वेस्ट ना करें, अनलेस दे हैव सम रेलिवेंस फॉर अस, जब तक कि वो आपसे कुछ रिलेटेड ना हो. ठीक है, अगर आपसे आपके लिए रेलेवेंट ना हो, आपके लिए सही ना हो, तो आप अपना प्रीसेस टाइम ऐसी चीजों पे बर्बाद ना करें. ओके, ऑल्सो वी शुड नॉट ऑलवेज एक्सपेक्ट एन इंस्टेंट रिस्पॉन्स एज द रेसिपिएंट मे हैव अदर प्रायोरिटीज. और ऐसा ना करें, जैसे मान लो आपने ऑनलाइन किसी को मैसेज सेंड किया, आपने टेक्स्ट मैसेज दिया, और आप चाहते हो कि आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिल जाए. आपको ये समझना चाहिए कि जिसको आप मैसेज दे रहे हैं, जो रेसिपिएंट है, उसकी अदर और दूसरी प्रायोरिटीज भी हो सकती है, वो और किसी चीज़ों में फंसा हो सकता है, वो एट अ टाइम आपको रिप्लाई नहीं कर सकता. तो इस चीज़ का रिस्पेक्ट करें, अपने टाइम का भी रिस्पेक्ट करें और दूसरों के टाइम का भी आप रिस्पेक्ट करें. ओके, नाउ रिस्पेक्ट डेटा लिमिट्स, राइट. तो डेटा लिमिट्स को आपको रिस्पेक्ट करना है. फॉर कंसर्न्स रिलेटेड टू डेटा एंड बैंडविड्थ, वेरी लार्ज अटैचमेंट्स में भी अवॉइडेड. अगर आपको क्या करना है, जैसे आप डेटा सेंड कर रहे हो, तो बहुत बड़ी बड़ी अटैचमेंट्स को आप सेंड ना करें. यहाँ पे आपको डेटा और बैंडविड्थ का ख्याल रखना है. बैंडविड्थ क्या होता है, एरिया एंड द स्पीड, ओके, विच हेल्प्स यू टू ट्रांसफर द डेटा. ओके, रेदर सेंड कंप्रेस्ड फाइल और लिंक टू द फाइल्स थ्रू क्लाउड शेयर. तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, कंप्रेस्ड फाइल्स को सेंड करना चाहिए, लिंक्स को आपको फाइल्स के लिंक शेयर करने चाहिए, और वो शेयर कौन से होने चाहिए, क्लाउड शेयर स्टोरेज. ठीक है, जैसे आपने गूगल ड्राइव को शेयर कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का लिंक शेयर कर दिया, याहू ड्रॉप बॉक्स का शेयर कर दिया, तो ये क्या होता है, दूसरों के लिए आसान हो जाता है आपका डेटा एक्सेस करने के लिए. जो आपने डेटा सेंड किया है वो इजिली एक्सेस कर सकते हैं. फाइन, नेक्स्ट वी हैव बी पोलाइट. ओके, आपको पोलाइट रहने की बहुत जरूरत है जब आप ऑनलाइन कम्युनिकेट करते हैं. वेदर द कम्युनिकेशन इज सिंक्रोनस, अगर आप सिंक्रोनसली कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब आप साइमल्टेनियसली किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ओके, हैपनिंग इन द रियल टाइम. रियल टाइम मतलब वो भी आपके साथ उसी टाइम पर कम्युनिकेट कर रहा है, लाइक चैट, ऑडियो वीडियो कॉल्स, और एसिंक्रोनस, या फिर आप एसिंक्रोनस फॉर्म में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे आपने ईमेल भेज दिया, जरूरी नहीं है दूसरा पर्सन इस टाइम ऑनलाइन बैठा हो और वो ईमेल को एक्सेप्ट कर ले. ठीक है, फॉरम पोस्ट आपने कहीं पर पोस्ट कर दिया, किसी भी फॉरम में कहीं पर भी कमेंट कर दिया, वी शुड बी पोलाइट. आप कुछ भी किसी भी तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको पोलाइट रहना है एंड नॉन एग्रेसिव इन आवर कम्युनिकेशन. और अपने कम्युनिकेशन में आपको एग्रेसिव नहीं होना है, आपको बहुत ही पोलाइटली कम्युनिकेट करना है. ओके, वी शुड अवॉइड बीइंग अब्यूसिव इवन इफ वी डोंट एग्री विद अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू. अगर मान लो आप किसी डिस्कशन ग्रुप से जुड़े हुए हो और वहां पे लोग अपने व्यूज दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी का व्यू पसंद नहीं आ रहा है तो आप अब्यूसिव हो जाओ. ठीक है, आपको एब्यूसिव लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, आपको दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू की भी इज्जत करनी चाहिए. फाइन, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बी क्रेडिबल. क्रेडिबल क्या होता है, ट्रस्टवर्दी होना, ऐसा पर्सन बनना जिस पे कोई विश्वास कर सके. ठीक है, वी शुड बी कॉशियस, आपको कॉशियस रहना है, सावधान रहना है. वाइल मेकिंग अ कमेंट, आप कमेंट करते वक्त रिप्लाइंग और राइटिंग एन ईमेल, अगर आप कोई ईमेल का रिप्लाई कर रहे हैं या कोई ईमेल लिख रहे हैं, और फॉरम पोस्ट, अगर आप किसी फॉरम क्या होता है, आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप वहाँ पे कोई पोस्ट कर रहे हो, एज सच एज डिसाइड आर क्रेडिबिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. क्योंकि यही काम आपकी
आपकी क्रेडिबिलिटी को डिसाइड करते हैं, आप ये बताते हैं कि आप कितने ट्रस्टवर्दी पर्सन हैं, आप पे कितना विश्वास किया जा सकता है। ऑन वेरियस डिस्कशन फोरम्स वी यूजली ट्राई टू गो थ्रू द प्रीवियस कमेंट्स ऑफ द पर्सन। हम क्या करते हैं, आपने कोई भी डिस्कशन ओपन की तो आप जो पहले के कमेंट्स होते हैं उनको पढ़ते हो, ठीक है, एंड जज देयर क्रेडिबिलिटी बिफोर रिलाइंग ऑन दैट पर्सन्स कमेंट। आप क्या करने लग जाते हो, कमेंट के बेसिस पर उस पर्सन के बारे में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हो इंस्टेड ऑफ नोइंग अबाउट द पर्सन। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पर्सन को पहचानना है, राइट। यहाँ पे जो प्रीवियस कमेंट्स हैं उनके ऊपर किसी भी पर्सन को जज नहीं करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट वी हैव सोशल मीडिया एटिकेट्स। आज के टाइम में बच्चों से लेकर बड़ों तक सारे लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपको सोशल मीडिया एटिकेट्स को फॉलो करना चाहिए, ओके। इन द करेंट डिजिटल एरा वी आर फेमिलियर विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल मीडिया। आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जानते हैं। वी मे हैव अकाउंट ऑन फेसबुक, आपका अकाउंट हो सकता है फेसबुक पर, गूगल प्लस पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, कहीं पर भी आपका अकाउंट हो सकता है, राइट। तो आप ये क्या कर, आप ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, राइट। सोशल मीडिया और वेबसाइट्स और एप्लीकेशन, सोशल मीडिया क्या है, वेबसाइट्स है, वो एप्लीकेशंस हैं दैट इनेबल देयर यूजर्स टू पार्टिसिपेट इन सोशल नेटवर्किंग, जो अपने यूजर्स को सोशल नेटवर्किंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इनेबल करते हैं, राइट। उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो क्या कर सके, अपने कंटेंट को शेयर कर सके दूसरों लोगों के साथ, ओके, इन अ कम्युनिटी, फाइन, ओके। इन सोशल मीडिया टू देयर आर सर्टेन एटिकेट्स वी नीड टू फॉलो। आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप हो तो आपको कुछ एटिकेट्स को फॉलो करना होता है, राइट। जैसे आपका हो गया बी सिक्योर, आपको सिक्योर रहना है सोशल मीडिया साइट्स पर। चूज पासवर्ड वाइसली, आपको अपने पासवर्ड बहुत ही वाइसली चूज करने चाहिए। नो हु यू बी फ्रेंड, आप किसको दोस्त बना रहे हैं इसका उसको आपको देखना चाहिए। बी वेयर ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया साइट्स पे बहुत फेक इन्फॉर्मेशन भी, र्यूमर्स भी ट्रेवल करती हैं, उनके प्रति आपको सतर्क रहना है, ओके। बी रिलायबल, आपको रिलायबल बनना है। थिंक बिफोर यू अपलोड, आप कोई भी चीज ऐसे ही अपलोड ना करें, राइट। तो अब इसको देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। सबसे पहले आपके पास बी सिक्योर, चूज पासवर्ड वाइजली, ओके। अगर आप सोशल मीडिया साइट्स पे हैं तो आपको अपने अकाउंट का पासवर्ड बहुत ही वाइजली चूज करना चाहिए। द नेटिजन शुड हैव स्ट्रॉन्ग एंड फ्रिक्वेंटली चेंज्ड पासवर्ड, ऐसा पासवर्ड आप चूज करो जो बहुत ही स्ट्रांग हो और आप उसको फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहो, ठीक है, ओके। नेवर शेयर पर्सनल क्रेडेंशियल्स लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड विद अदर्स, अपने अकाउंट का जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है यूजर नेम पासवर्ड किसी और के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, राइट। इससे क्या हो सकता है, आपका अकाउंट हैक हो सकता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है जिससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है, ओके। सेकंड क्या है, नो हु यू बी फ्रेंड, आप किससे दोस्ती कर रहे हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसके लिए बहुत ही सावधान रहना है। सोशल नेटवर्क्स यूजली एनक्रेज कनेक्टिंग विद यूजर्स मेकिंग फ्रेंड्स, तो जो सोशल नेटवर्क होते हैं वो आपको एनक्रेज करते हैं कि आप दोस्त बनाओ लोगों को, अलग अलग कंट्रीज के लोगों को दोस्त बनाओ, राइट। समटाइम्स इवन दोज हुम वी डोंट नो, और ऐसे बहुत से लोग जिनको हम नहीं जानते हैं और हैव नॉट मेट, और ऐसे लोग जिनसे हम नहीं मिले हैं उनको दोस्त बनाने के लिए भी आपको एनकरेज करता है। देखा नहीं आपके पास, जैसे आप फेसबुक यूज करते हो तो आपके पास आ जाती है यू कैन बी फ्रेंड विद दीज पीपल, आपके पास एड फ्रेंड के लिए आ जाएगी कि आप इनको फ्रेंड्स बना सकते हो, राइट। हाउएवर वी नीड टू बी केयरफुल, लेकिन इस चीज में आपको केयरफुल रहना है, बाय व्हाइल बी फ्रेंडिंग अननोन पीपल, अगर आप अननोन लोगों को फ्रेंड बना रहे हो तो आपको केयरफुल रहना चाहिए, एज देयर इंटेंशंस पॉसिबली कुड बी मैलिशियस एंड अनसेफ, क्योंकि आप किसी भी इंसान के बारे में नहीं जानते कि वो किस इंटेंशन से आपसे फ्रेंडशिप कर रहा है, उसकी इंटेंशन गलत भी हो सकती है, मैलिशियस हो सकती है, उसकी इंटेंशन अनसेफ हो सकती है। तो किसी को भी सोशल मीडिया साइट पर फ्रेंड बनाने से पहले आप अच्छे से उसको जान ले तभी फ्रेंड बनाए, अदरवाइज ना बनाए, ओके। बी वेयर ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज मैसेजेस एंड पोस्ट आर कॉमन इन सोशल नेटवर्क, आपको पता है बहुत फेक न्यूज ट्रेवल करती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। एज अ यूजर वी शुड बी अवेयर ऑफ देम, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। विद एक्सपीरियंस वी शुड बी एबल टू फिगर आउट वेदर अ न्यूज मैसेज और पोस्ट इज जेन्यून और फेक, तो ये आपको अपने एक्सपीरियंस से पता लगाना है कि मैसेज या न्यूज या पोस्ट जेन्यून है या फेक है। ऐसा ना हो कि कोई भी न्यूज या कोई भी आप मैसेज देखिए आप उस पर बिलीव कर लें,
ऐसा नहीं करना है आपको. दस वी शुड नॉट ब्लाइंडली बिलीव इन एवरीथिंग डेट वी कम अक्रॉस ऑन सच प्लेटफॉर्म. तो आपको ब्लाइंडली किसी भी न्यूज़ पर बिलीव नहीं करना है, राइट. समटाइम्स क्या होता है, र्यूमर्स की वजह से बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं. तो आपको इन र्यूमर्स के ऊपर बिलीव नहीं करना है. वी शुड अप्लाई आर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू वैलिडेट सच न्यूज़ मैसेजेस और पोस्ट. आपको अपनी खुद की नॉलेज, अपने खुद के एक्सपीरियंस का यूज़ करना चाहिए उस न्यूज़ को, मैसेज या फिर पोस्ट को वैलिडेट करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए कि वो जेन्युइन है या फेक है. ओके, नाउ सेकंड पॉइंट आपका है बी रिलायबल. आपको रिलायबल होना चाहिए. थिंक बिफोर अपलोडिंग. आपको कोई भी चीज अपलोड करने से पहले सोचना चाहिए. वी कैन अपलोड ऑलमोस्ट एनीथिंग ऑन सोशल नेटवर्क. आप सोशल नेटवर्क पे कुछ भी अपलोड कर सकते हो, कोई भी पिक्चर, कोई भी वीडियो. हाउ एवर रिमेंबर डेट वंस अपलोडेड इट इज ऑलवेज देयर इन द रिमोट सर्वर. लेकिन ये ध्यान रखना कि एक बार आपने अगर अपलोड कर दी, वो रिमोट सर्वर पे जाके सेव हो गई है. इवन इफ वी डिलीट द फाइल, आपने अपने सिस्टम से डिलीट कर दी, लेकिन क्या है, उसकी कॉपी पहुंच गई रिमोट सर्वर के पास. सर्वर के पास जा चुकी है उसकी कॉपी, वो हमेशा वहां पे रहेगी. हैंस वी नीड टू बी कॉशियस व्हाइल अपलोडिंग. इसलिए आप अगर कुछ भी अपलोड करें तो आपको बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है. और सेंडिंग सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल फाइल्स विच हैव अ बियरिंग ऑन योर ऑन आर प्राइवेसी, राइट. अगर आप क्या करो, ऐसी सेंसिटिव या कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को अपलोड कर रहे हो जिसमें जिससे आपका प्राइवेसी को प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको बहुत सावधान रहना है कि अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर ना करें. अपनी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स, अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को आप शेयर ना करें, या कोई भी उल्टी सीधी चीज़ को आप नहीं शेयर करें, राइट. आपको इंटरनेट पर या सोशल मीडिया साइट पर कम्युनिकेट करते वक्त, उसको यूज करते वक्त रिलायबल रहना है. बहुत ही एक अच्छा नेटिजन की तरह आपको वहां पे अपना बिहेवियर शो करना है. अपने डिजिटल डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही हम देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसकी हेल्प से आप अपने इंटेलेक्चुअल डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे बात हम करेंगे डिजिटल डेटा की. इन दिस डिजिटल एज डेटा और इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन इज मेनली अबाउट द प्राइवेसी ऑफ द डेटा स्टोर डिजिटली, राइट. तो डिजिटल डेटा कौन सा होता है, वो डेटा जो कहाँ पे सेव होता है, डिजिटल डिवाइसेस पे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर जो सेव होता है, राइट. और उसको आप शेयर करते हो इलेक्ट्रॉनिकली, राइट. जैसे आपने क्या किया, ऑनलाइन आपका क्या है, फोटोज है, वीडियोस है, टेक्स्ट फाइल्स है, ई बुक्स है, ई न्यूज़पेपर्स है. तो ये डेटा कौन सा डेटा है, आपका डिजिटल डेटा है, राइट. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कौन से डेटा की प्रोटेक्शन की बात हो रही है, वो डेटा जो डिजिटली स्टोर्ड है, राइट. एलिमेंट्स ऑफ डेटा डेट कैन कॉज सब्सटेंशियल harm, embarrassment, inconvenience and unfairness to an individual if breached or compromised is called sensitive data. और वो data, right, वो digital data जिसका अगर चोरी होना क्या है, बहुत ही नुकसान पहुंचाता है किसी भी individual को, right. Substantial harm क्या होता है, उसको वो physical या psychological harm पहुंचाता है, embarrassed feel कराता है किसी भी individual को, inconvenience होती है, unfair होता है, right. अगर ऐसा डेटा ब्रीच किया जाता है या कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, राइट, तो ये कौन से डेटा की बात की जा रही है, सेंसिटिव डेटा. ओके, जिसके लॉस्ट होने पर इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा हार्म होता है, ऐसा डेटा हमारा सेंसिटिव डेटा होता है, राइट. एग्जांपल ऑफ सेंसिटिव डेटा इंक्लूड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है, राइट. डिफरेंट कंपनीज में क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज की बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन रखते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, फिंगरप्रिंट मैपिंग आती है, फेशियल रिकॉग्निशन आती है, रेटिना स्कैन्स होते हैं, राइट. हेल्थ इंफॉर्मेशन, हेल्थ जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो पेशेंट की हेल्थ इंफॉर्मेशन को सेव रखते हैं. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं, उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिजिटली स्टोर होती है. एंड अदर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लाइक इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज, राइट. तो ये वो डेटा, राइट, जो बहुत ही क्या है, सेंसिटिव है, जिसका खोना या जिसका लॉस्ट होना क्या होगा, किसी भी पर्सन को सब्सटेंशियल हार्म पहुँचाएगा, फिजिकल या साइकोलॉजिकल हार्म पहुँचाएगा, ऐसा डेटा क्या होता है, सेंसिटिव डेटा होता है. तो ऐसे ही डेटा की प्रोटेक्शन की हम यहां बात कर रहे हैं. ओके. प्राइवेसी ऑफ सेंसिटिव डेटा कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय, अब देखो सेंसिटिव डेटा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, कैसे किया जा सकता है, बाय एनक्रिप्शन. जब डेटा ट्रेवल करे तो किस फॉर्म में ट्रेवल करे, एनक्रिप्ट फॉर्म में ट्रेवल करे. एनक्रिप्ट क्या होता है, सीक्रेट कोड में आपका डेटा ट्रेवल करता है, राइट. स्क्रैम्बल करके डेटा को वन प्लेस से, वन डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास सेंड किया जाता है. ऑथेंटिकेशन, राइट, ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट किया जाए. ऑथेंटिकेशन क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी डेटा
डेटा किसी एक पर्सन ने दूसरे को भेजा, तो दूसरा पर्सन उसको तभी ओपन कर सकता है जब वो कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करे, कुछ ऑथेंटिकेटेड प्रोसीजर्स को फॉलो कर सके, राइट। जैसे आप अपना अकाउंट तभी ओपन कर सकते हो जब आप अपना पासवर्ड जानते हो, राइट। आपका पासवर्ड अगर आप कोई और आपका अकाउंट क्या कर सकता है, ओपन नहीं कर सकता, वाई, बिकॉज उसको आपका पासवर्ड नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या, ये ऑथेंटिकेशन का एक फीचर है, राइट। एंड अदर सिक्योर मेथड्स टू एंश्योर दैट सच डेटा इज एक्सेसिबल ओनली टू द ऑथोराइज्ड यूजर्स एंड इज फॉर लेजिटिमेट पर्पस, राइट। तो यहाँ पे क्या, सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक एनक्रिप्शन हो गया कि आपका डेटा एनकोडेड फॉर्म में, या आप कह सकते हैं कोडेड फॉर्म में ट्रेवल करेगा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। ऑथेंटिकेशन प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, जैसे अभी मैंने पासवर्ड का एग्जांपल लिया, ओके, और दूसरे सिक्योरिटी मेजर्स को अप्लाई किया जाता है जिससे कि जो डेटा है वो ऑथोराइज्ड यूजर्स के पास ही जाए, जिन यूजर्स के पास वो डेटा जाना है सिर्फ उन्हीं के पास जाए, ओके, और उसका इस्तेमाल लेजिटिमेट पर्पस के लिए किया जाए, मतलब लॉफुल लीगल पर्पस के लिए उसका किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, राइट। Now, all over the world, each country has its own data protection policies. अब हर कंट्री की अपनी खुद की data protection policies होती हैं. These policies are legal documents that provide guidelines to the users. और ये policies क्या होते हैं, legal documents होते हैं जिनके अंदर guidelines होती हैं, okay, for the users on processing, storage and transmission of sensitive information. के जो sensitive information है user की, उसकी processing कैसे की जाएगी, उसका storage कैसे किया जाएगा, और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को वन डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे कैसे ट्रांसमिट किया जाएगा, राइट। नाउ वी हैव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट, ओके। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी जो हमने अपने इंटेलेक्ट को यूज करके क्रिएट की है, राइट। आपने अपनी लॉजिकल थिंकिंग को यूज करके क्रिएट किया है, मान लो आपने कोई इन्वेंशन की है, वो आपकी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आपने कोई बुक लिखी, वो आपकी क्या है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपने इंटेलेक्ट को यूज करके, राइट, अपनी समझदारी को यूज करके अपनी प्रॉपर्टी को क्रिएट कर रहे हो, तो ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, राइट। तो इस प्रॉपर्टी के लिए आपको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, जो क्या, जिनको क्या कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ओके। व्हेन समवन ओन्स अ हाउस और अ मोटरसाइकिल, वी से दैट द पर्सन ओन्स द प्रॉपर्टी। अगर कोई भी कोई हाउस लेता है, खरीदता है, या मोटरसाइकिल बाय करता है, तो हम क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉपर्टी है, ओके। सिमिलरली इफ समवन कम्स आउट विद अ न्यू आइडिया, ऐसे ही अगर कोई इंसान नए आइडियाज के साथ सामने आता है, दिस ओरिजिनल आइडिया इज डैट पर्सन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये जो आइडिया उस पर्सन को आया है, वो उस पर्सन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, फाइन। जैसे किसी डायरेक्टर ने मूवी के लिए कुछ आइडिया सोचे, तो वो क्या है, उसकी खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, फाइन, ओके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द इन्वेंशन। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी चीज़ आ जाएगी, इन्वेंशंस आ जाएगी, यहाँ पे आप अपने ब्रेन का यूज़ करके इन्वेंशंस कर रहे हैं, लिटरेरी वर्क आ जाएगा, ओके। लिटरेरी वर्क में क्या है, लिटरेचर से रिलेटेड बुक्स वर्क आ गया, जैसे आपने बुक्स लिखी, आपने कुछ ब्लॉग्स लिखे, ओके, आपने कुछ राइटिंग्स की, तो ये क्या है, सारा लिटरेरी वर्क आ गया। तो ये आपने अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करके, अपने ब्रेन को यूज़ करके ये काम किया, ठीक है। आर्टिस्टिक, आपने पेंटिंग की, राइट, आपने कुछ और बनाया, तो ये सारा क्या है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। एक्सप्रेशंस, डिजाइंस आपने क्रिएट किए, सिंबल्स, नेम्स एंड लोगोस, ओके। तो ये जो जैसे कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज होती है, वो अपने अलग अलग लोगोस को यूज करती है अपने प्रोडक्ट्स पे, तो ये उनकी क्या है, उनकी खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, फाइन। द ओनरशिप ऑफ सच कॉन्सेप्ट लाइज विद द क्रिएटर, ओके। तो जितना भी, जो भी अपने ब्रेन का, अपने इंटेलेक्ट का यूज़ करके कुछ भी प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहा है, राइट, वो पर्टिकुलर पर्सन ही उस प्रॉपर्टी का मालिक है, जो क्रिएटर है वही उसका ओनर होता है, राइट, और द होल्डर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कोई और उसको यूज़ नहीं करेगा विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर, फाइन। Now, this enables the creator or copyright owner to earn recognition or financial benefit by using their creation or invention. अब देखो, जब कोई भी creator
कोई भी अपनी जैसे मान लो इन्वेंशन की, उस इन्वेंशन की हेल्प से उसे क्या मिलेगा, उसको रिकग्निशन मिलेगा, उसको समाज में एक रिस्पेक्ट मिलेगी, नाम मिलेगा, फाइनेंशियल गेन मिलेंगे, ओके। तो ये क्या है, इसकी हेल्प से वो बहुत कुछ अर्न कर सकता है, फाइन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज लीगली प्रोटेक्टेड थ्रू, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ राइट्स दिए गए हैं, लाइक कॉपी राइट्स हैं आपके पास, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, ओके। नाउ वी हैव कॉपीराइट, कॉपीराइट आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ओके। कॉपीराइट ग्रांट्स लीगल राइट्स टू द क्रिएटर फॉर द ओरिजिनल वर्क, कॉपीराइट लीगल राइट्स प्रोवाइड करता है ओरिजिनल वर्क के क्रिएटर्स को, राइट, लाइक राइटिंग्स, उनकी राइटिंग्स के लिए, फोटोग्राफ्स अपलोड्स के लिए, ओके, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स लाइक सॉन्ग्स वगैरह के लिए, वीडियोस के लिए, स्कल्पचर्स के लिए, मूर्तियाँ हो गई, आपका आर्किटेक्चुरल वर्क हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, राइट, किसी भी कंपनी ने या किसी इंडिविजुअल ने अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, अदर क्रिएटिव वर्क लाइक लिटरेरी लिटरेचर से रिलेटेड वर्क हो गया, आर्टिस्टिक वर्क हो गया लाइक आपकी ड्राइंग्स हो गई, आर्ट वर्क हो गया, ओके, इन सब के लिए कॉपीराइट लीगल राइट्स प्रोवाइड करता है क्रिएटर्स को, ओके। कॉपीराइट्स आर ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू द क्रिएटर्स एंड ऑथर्स, कॉपीराइट जो क्रिएटर्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, उनको उनके वर्क के लिए ऑटोमेटिकली कॉपीराइट्स मिल जाते हैं, राइट। कॉपीराइट लॉ गिव द कॉपीराइट होल्डर अ सेट ऑफ राइट्स दैट दे अलोन कैन अवेल लीगली, ओके। तो कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट लॉ गिव्स द कॉपीराइट होल्डर अ सेट ऑफ राइट्स, जो कॉपीराइट होल्डर होते हैं, जो क्रिएटर होते हैं, उनको सेट ऑफ राइट्स मिलते हैं जिनको वो खुद सिर्फ खुद यूज कर सकते हैं, राइट, लीगली उनका यूज कर सकते हैं, ओके। द राइट इंक्लूड्स राइट टू कॉपी, मतलब वो अपने खुद के वर्क को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने खुद के वर्क की कॉपीज बना सकते हैं, राइट टू क्रिएट डेरिवेटिव वर्क्स, ओके, अपने ओरिजिनल वर्क से वो कुछ और वर्क, मतलब उसका ही सेम उसका डेरिवेटिव क्रिएट कर सकते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे आपने हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन करके कुछ और प्रोडक्ट बना लिया, ओके। राइट टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ द वर्क टू द पब्लिक, अगर वो चाहते हैं तो अपने वर्क की कॉपीज पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। राइट टू पब्लिकली डिस्प्ले और परफॉर्म द वर्क, राइट, वो अपने वर्क को पब्लिकली डिस्प्ले कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। तो ये जितने भी राइट्स हैं वो ओरिजिनल क्रिएटर्स के पास होते हैं, कोई और उनके वर्क की ना तो कॉपी कर सकता है, ना ही डेरिवेटिव क्रिएट कर सकता है, ना ही पब्लिकली उनके वर्क को शो कर सकता है, ओके। इट प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम कॉपिंग, तो ये राइट्स क्या करते हैं, दूसरे लोगों को उनके वर्क को कॉपी करने से रोकते हैं, यूजिंग और सेलिंग द वर्क, ना ही कोई उनका वर्क कॉपी कर सकता है, ना ही यूज कर सकता है, ना ही सेल कर सकता है। जैसे क्या होता है, मार्केट में पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, तो वो क्या चोरी का सामान है, उस पर कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट होता है, राइट। अगर वो पकड़ा जाता है तो उस पर क्या होता है, आपको वो इट्स अ क्राइम, आपको जेल भी हो सकती है, फाइन। फॉर एग्जाम्पल, राइटर रडियर्ड किपलिंग holds the right copyright to his novel The Jungle Book, which tells the story of the Mowgli, the jungle boy, right? तो यहाँ पे एक example दिया जा रहा है writer का, Rudyard Kipling का, जिन्होंने Jungle Book को लिखा, okay? जहाँ आप जानते हैं अच्छे से, उसमें जो boy था उसका name Mowgli था। It would be an infringement of the writer's copyright if someone used part of the novel without permission, अगर उनकी बुक का कोई भी पार्ट कोई दूसरा व्यक्ति उनकी परमिशन के बगैर यूज करता है जंगल बुक का, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा कॉपीराइट का, और ये क्या है, एक साइबर क्राइम है, ओके। टू यूज अदर्स कॉपीराइटेड मटीरियल वन नीड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फ्रॉम देम, अगर किसी और को ये यूज करना है, राइट, कॉपीराइटेड मटीरियल यूज करना है, तो वो ओरिजिनल क्रिएटर से उसका लाइसेंस ले सकता है, ओके, अदरवाइज वो उस पर्टिकुलर वर्क को यूज नहीं कर सकता, फाइन। नेक्स्ट वी हैव पेटेंट, ओके। अ पेटेंट इज यूजली ग्रांटेड फॉर इन्वेंशंस, पेटेंट को इन्वेंशंस के लिए ग्रांट किया जाता है, दिया जाता है। अनलाइक कॉपीराइट, द इन्वेंटर नीड्स टू अप्लाई फॉर पेटेंटिंग द इन्वेंशन, जैसे कॉपीराइटेड मटेरियल, जो भी ओरिजिनल मटेरियल आता है क्रिएटर का, वो अपने आप उसको कॉपीराइट मिल जाता है, ओके। लेकिन यहाँ पे इन्वेंशंस के लिए, इन्वेंशंस पे पेटेंट अप्लाई करने के लिए इन्वेंटर को पेटेंटिंग के लिए अप्लाई करना पड़ता है, ओके। व्हेन अ पेटेंट इज ग्रांटेड, जब जो क्रिएटर है, जो इन्वेंटर है, उसको पेटेंट दे दिया जाता है, द ऑनर गेट्स एन एक्सक्लूसिव राइट टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोटेक्टेड इन्वेंशन, राइट। तो जब पेटेंट मिल जाता है ऑनर को, तो उसको एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है कि वो अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट को दूसरे लोगों से कैसे बचा सके, ना ही दूसरे लोग उसके प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, उसके इन्वेंशन को यूज कर सकते हैं, ना ही उसको बेच सकते हैं, ओके, ना ही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट, ओके, इस तरीके से वो अपने इन्वेंशन को प्रोटेक्ट कर सकता है, फाइन।
Patent gives full control to the patentee to decide whether or how the invention can be used by others. तो patentee को ये full control देता है कि वो खुद से decide करे कि ये invention जो उसने किया है okay, वो invention कैसे वो यहाँ पे लिखे ना how the invention can be used by the others, वो invention दूसरे लोग कैसे use कर सकते हैं फाइन या फिर नहीं कर सकते हैं. सारा कंट्रोल किसके हाथ में? पेटेंटी के हाथ में है. राइट, दस इट एनकरेजेस इन्वेंटर्स टू शेयर देयर साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल फाइंडिंग्स विद अदर्स. तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वेंटर्स को ये जो पेटेंट दिया गया है ये राइट उनको एनकरेज करता है कि वो कैसे अपने साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल वर्क को दूसरों से शेयर करेंगे. राइट, ओके. अ पेटेंट प्रोटेक्ट्स एन इन्वेंशन फॉर 20 इयर्स. जो पेटेंट दिया जाता है वो 20 इयर्स के लिए दिया जाता है, आफ्टर विच इट कैन बी फ्रीली यूज. उसके बाद उस इन्वेंशन को फ्रीली यूज करने के लिए अवेलेबल कर दिया जाता है. रिकग्निशन और फाइनेंशियल बेनिफिट फोस्टर द राइट एनवायरमेंट एंड प्रोवाइड मोटिवेशन फॉर मोर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब किसी भी व्यक्ति को उसके वर्क के लिए फाइनेंशियल गेन मिलता है, रिकग्निशन मिलती है, तो ये क्या होता है, ये मोटिवेट करता है उसको और इन्वेंशंस करने के लिए और क्रिएटिव चीज़ों को डेवलप करने के लिए, और ये दूसरे लोगों के लिए भी मोटिवेशन बनता है. राइट, तो यहाँ पे यही कहा गया है, रिकग्निशन और फाइनेंशियल बेनिफिट फोस्टर द राइट एनवायरमेंट एंड प्रोवाइड मोटिवेशन फॉर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. अब मान लो किसी ने अपना कोई इन्वेंशन किया और वो उसका चोरी हो जाता है, दूसरे लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वो पर्सन दोबारा इन्वेंशन नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है मैं हार्डवर्क मैं करूँगा और उसको यूज कोई और करेगा. तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए क्या किया जाता है, आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाते हैं जिससे कि आपको आपके खुद के वर्क के लिए रिकग्नाइजेशन मिले, आपको बेनिफिशियल आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिले, ओके, जिससे आप और मोटिवेट हो और ये एग्जाम्पल देख के दूसरे लोग भी मोटिवेट हो. राइट, नेक्स्ट वी हैव ट्रेडमार्क. ओके, ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क इंक्लूड्स एनी विजुअल सिंबल. ट्रेडमार्क के अंदर विजुअल सिंबल्स आते हैं, वर्ड्स आते हैं, नेम्स आते हैं, डिजाइन्स आते हैं, स्लोगन्स आते हैं, लेबल्स आते हैं. राइट, जैसे आप देखो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनके अलग अलग ट्रेडमार्क्स हैं, उनके अलग अलग सिंबल्स हैं. ओके, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग सिंबल्स हैं. राइट, ओके, आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले लो, आपके स्कूल का सिंबल कुछ और होगा, डिफरेंट स्कूल का सिंबल कुछ और होगा. राइट, आपकी बेल्ट के ऊपर, आपके टाई के ऊपर आपके स्कूल का सिंबल होता है, आपके स्कूल का ट्रेडमार्क होता है. राइट, तो ये क्यों दिया जाता है, दैट डिस्टिंग्विशेस द ब्रांड, जैसे कि एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से अलग किया जा सके, डिस्टिंग्विश किया जा सके, डिफरेंशिएट किया जा सके. और कमर्शियल एंटरप्राइज, एक कमर्शियल एंटरप्राइज को दूसरे कमर्शियल एंटरप्राइज से अलग किया जा सके. कमर्शियल एंटरप्राइज क्या होती है, कंपनीज होती है, बिजनेस होते हैं जो आपको गुड्स प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. ओके, फॉर एग्जांपल, नो कंपनी अदर देन द नाइक कैन यूज अ नाइक ब्रांड टू सेल शूज़ और क्लोथ्स. राइट, तो यहाँ पे क्या, जैसे ये नाइक का क्या है, ट्रेडमार्क है, तो कोई और कंपनी नाइक का ट्रेडमार्क यूज़ नहीं कर सकती शूज़ को सेल करने के लिए या क्लोथ्स को सेल करने के लिए. नाइक की ही कंपनी ये ट्रेडमार्क यूज़ करेगी सिर्फ. ओके, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम यूजिंग अ कन्फ्यूजिंगली सिमिलर मार्क इंक्लूडिंग वर्ड्स और फ्रेजेस. राइट, तो यहाँ पे जो ट्रेडमार्क होते हैं वो इसलिए यूज किए जाते हैं कि कोई दूसरा थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके उनके कपड़ों को मतलब उनके कपड़ों का नाम लेके ना बेच सके या उनके शूज़ का ब्रांड ना बेच सके. राइट, यहाँ पे मान लो किसी ने क्या किया, जैसे ये नाइक है, इन्होंने नाइक लिखा हुआ, किसी ने यहाँ पे NY ले लिया, आई की जगह NY ले लिया, और फिर लोग कन्फ्यूज हो गए, उनको लगेगा कि ये वही सेम कंपनी है. नहीं, तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल ट्रेडमार्क देखना है कि जो ओरिजिनल कंपनी है उसका ओरिजिनल ट्रेडमार्क क्या है. क्या होता है, कुछ जो लोग होते हैं, कुछ फेक कंपनीज होती हैं, वो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करती हैं ट्रेडमार्क में और अपने प्रोडक्ट को बाहर उतार देती हैं. फाइन, तो क्या होता है, कॉपी प्रोडक्ट होता है, बट उसमें देखना आप ट्रेडमार्क में कुछ ना कुछ छेड़खानी जरूर होती है. राइट, फॉर एग्जाम्पल, कन्फ्यूजिंग ब्रांड्स लाइक निक्की, जैसे नाइकी जो निक्की निकाल देंगे, कैन नॉट बी यूज्ड. फाइन, ओके, तो हाउ एवर इट मे बी पॉसिबल टू अप्लाई फॉर द नाइक ट्रेडमार्क फॉर अनरिलेटेड गुड्स लाइक नोटबुक. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नाइक ब्रांड है, ठीक है, ये इनका ट्रेडमार्क है, तो आप इसमें मॉडिफिकेशन करके शूज एंड क्लोथ्स को नहीं बेच सकते हैं, आप कुछ और बेच सकते हैं. लाइक आपने नोटबुक्स बेच दी, वो चलेगा, बट आप जब ये पर्टिकुलर कंपनी क्या सेल आउट करी है, शूज़ को करी है, क्लोथ्स को करी है, तो कोई इसमें मॉडिफिकेशन करके शूज़ एंड क्लोथ्स को नहीं बेच सकता. हाँ, नोटबुक्स को बेच सकता है क्योंकि ये कंपनी नोटबुक्स में डील नहीं करती.
से काम है जिनको करने से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन होता है, राइट? वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में हैपन इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो इनमें से अगर आप कोई भी काम करते हो तो उससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है। फर्स्ट वन इज प्लेजरिज्म, सेकेंड इज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, थर्ड इज ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। तो इसको वन बाय वन आप समझेंगे। फर्स्ट वन इज प्लेजरिज्म। विद द अवेलेबिलिटी ऑफ द इंटरनेट वी कैन इंस्टेंटली कॉपी और शेयर टेक्स्ट पिक्चर एंड वीडियोज, राइट? आजकल इंटरनेट अवेलेबल है, सबके पास इंटरनेट होता है, तो हम क्या करते हैं, हम जो भी डेटा चाहिए उसको सिंपली क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। टेक्स्ट चाहिए, पिक्चर चाहिए, वीडियोज चाहिए, सब इंटरनेट से उठा के उसको यूज करते हैं, फाइन। तो यहाँ पे क्या, देखो बच्चों को होमवर्क मिलता है, मान लो किसी टॉपिक पे होमवर्क मिल गया, मॉन्यूमेंट्स के ऊपर उनको डिटेल्स या कुछ लिखना है, तो क्या करेंगे, इंटरनेट पे जाएंगे, मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर वहां से लेंगे, जितना भी उनका डेटा मॉन्यूमेंट्स का डेटा है वहां से लेंगे, वो अपनी खुद की क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसे बच्चों को प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए मिलते हैं, तो क्या करते हैं, पूरा डेटा इंटरनेट से कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे वो बच्चे क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली प्लेजरिज्म कर रहे हैं, राइट? देखो, प्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडिया और वर्क एज वंस ओन आइडिया और वर्क इज कॉल्ड प्लेजरिज्म, राइट? जब आप किसी और के आइडिया या किसी और के काम को अपना आइडिया या अपना काम बनाकर प्रेजेंट करते हो लोगों के सामने, तो वो प्लेजरिज्म होता है, राइट? इफ वी कॉपी सम कंटेंट फ्रॉम द इंटरनेट, अगर हम इंटरनेट से कुछ भी कंटेंट कॉपी कर रहे हैं, बट डू नॉट मेंशन द सोर्स और द ओरिजिनल क्रिएटर, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि जो हमने जो कंटेंट लिया है उसका सोर्स क्या है या उसका ओरिजिनल क्रिएटर कौन है, किसने वो डेटा क्रिएट किया है, देन इट इज कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ प्लेजरिज्म, ठीक है? तो ये क्या कंसीडर होता है, ये प्लेजरिज्म कंसीडर किया जाता है, राइट? जैसे जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो आपको आपको इन द एंड मेंशन करना होता है कि आपने किस किस वेबसाइट से इस प्रोजेक्ट में हेल्प ली है, राइट? तो उस केस में तो ये प्लेजरिज्म नहीं होगा, बट अगर आप मेंशन नहीं करते हो तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ द एक्ट ऑफ प्लेजरिज्म, ओके? इफ समवन ड्राइव्स एन आइडिया और अ प्रोडक्ट फ्रॉम एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडिया और प्रोडक्ट, बट इंस्टेड प्रेजेंट इट एज अ न्यू आइडिया, देन ऑल्सो इट इज अ प्लेजरिज्म, राइट? अगर किसी ने क्या किया, किसी और के आइडिया से अपना आइडिया क्रिएट किया, मतलब किसी और का आइडिया सुना, देखा और उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अपना खुद का एक नया आइडिया बना लिया, ठीक है? ऐसे किसी और का प्रोडक्ट देखा और उसको उसी उसकी ही सेम कॉपी बना ली, ठीक है? उस प्रोडक्ट की ही सेम कॉपी बना ली और उसको उस आइडिया को या उस प्रोडक्ट को एज अ न्यू आइडिया, एज अ न्यू प्रोडक्ट अगर उसने प्रेजेंट किया, तो यहाँ पे ये प्रोसेस भी क्या है, ये भी प्लेजरिज्म है, फाइन? क्योंकि वो कहाँ से कर रहा है, वो आइडिया भी उसने कहीं और से ड्राइव किया है, वो प्रोडक्ट भी उसने कहीं और से लिया है, मतलब उस प्रोडक्ट का जो भी आइडिया है वो भी उसने कहीं और से लिया है, राइट? अगर वो उसको एज अ न्यू आइडिया या न्यू प्रोडक्ट बता के प्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस क्या है, प्लेजरिज्म है, ओके? इट इज़ अ सीरियस एथिकल ऑफेंस। तो ये क्या है, एक सीरियस एथिकल ऑफेंस है, ये एक मॉरल ऑफेंस है, एंड समटाइम्स कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ फ्रॉड, और इसको एक्ट ऑफ फ्रॉड भी माना जाता है, मतलब इसको फ्रॉड भी माना जाता है, ठीक है? इवन इफ वी टेक कंटेंट्स दैट आर ओपन फॉर पब्लिक यूज, अगर आप उस कंटेंट को भी ले रहे हैं जो पब्लिक यूज़ के लिए अवेलेबल है, मतलब कोई पब्लिक उसको यूज़ कर सकती है, ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है, वी शुड साइट द ऑथर और सोर्स टू अवॉइड प्लेजरिज्म। तब भी आपको, अगर आप जो डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पे, जो फ्रीली अवेलेबल है कि इट इज़ फॉर द पब्लिक यूज़, उस डेटा को भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तब भी आपको साइट करना चाहिए, मतलब मेंशन करना चाहिए कि इस पर्टिकुलर डेटा का ऑथर कौन है, राइट? या फिर इसका सोर्स क्या है, कौन वेबसाइट से आपने लिया है, टू अवॉइड प्लेजरिज्म, जिससे कि प्लेजरिज्म ना हो, ओके? नेक्स्ट वी हैव कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ओके? आपको पता है कॉपीराइट्स कब मिलते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के ओरिजिनल वर्क के लिए, इंटेलेक्चुअल वर्क के लिए कॉपीराइट्स दिए जाते हैं, राइट? तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का मीनिंग क्या है, जब कॉपीराइट्स का हनन होता है, मतलब उनका उल्लंघन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। और ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कैसे होता है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इज व्हेन वी यूज अदर पर्सन्स वर्क, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति का काम यूज करें विदाउट ऑब्टेनिंग देयर परमिशन
इंफॉर्मेशन टू यूज और वी हैव नॉट पेड फॉर इट इफ इट इज बींग सोल्ड राइट. तो आपने क्या किया, किसी भी व्यक्ति का, किसी दूसरे पर्सन का कॉपी राइटेड मटीरियल यूज किया उन्हें उनकी परमिशन लिए बगैर, ओके. या फिर अगर वो चाहते हैं कि उनका मटीरियल यूज तो हो पर आप उसके लिए कुछ अमाउंट पे करें, लेकिन आपने अमाउंट भी पे नहीं किया. जैसे क्या होता है कॉपी, जैसे आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, ठीक है. तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या है, रियल सॉफ्टवेयर की कॉपी है. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर होते हैं, विंडोज होते हैं, विंडोज आप कॉपी, जो पायरेटेड विंडोज अगर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर रहे हो तो ये क्या है, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट है, ओके. आप उस कंपनी की, जो उस कंपनी के कॉपीराइटेड मटेरियल को बिना परमिशन के, बिना उसका अमाउंट पे किए हुए यूज कर रहे हो, ओके. सपोज वी डाउनलोड एन इमेज फ्रॉम द इंटरनेट. अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि आपने मान लो एक इमेज को इंटरनेट से डाउनलोड किया एंड यूज इट इन योर प्रोजेक्ट, और आपने उस इमेज को अपने प्रोजेक्ट में यूज कर लिया. बट इफ द ऑनर ऑफ द कॉपीराइट ऑफ द इमेज डज नॉट परमिट इट्स फ्री यूसेज, लेकिन जो जिसकी इमेज है वो उसने इसकी फ्री यूसेज का परमिशन नहीं दिया हुआ है, देन यूजिंग सच एन इमेज इवन आफ्टर गिविंग रेफरेंस ऑफ द इमेज इन आवर प्रोजेक्ट इज वायलेशन ऑफ कॉपीराइट. समझो इसको, आपने क्या किया, इंटरनेट से इमेज को डाउनलोड किया और अपने प्रोजेक्ट में यूज कर लिया, ओके. और यहाँ पे ये इमेज क्या है, कॉपीराइटेड है. जिसने इसको बनाया है, जिसने इसको क्रिएट किया है, उसने इसके फ्री यूसेज को के लिए परमिशन नहीं दी हुई है. अगर आप उसको यूज करने के बाद रेफरेंस भी देते हो कि मैंने इस पर्टिकुलर वेबसाइट से लिया ये इमेज, या इस पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू मुझे ये इमेज मिली है, ये इस पर्टिकुलर पर्सन का वर्क है, तब भी ये क्या होगा, वायलेशन होगा कॉपीराइट का, क्योंकि यहाँ पे जो का ऑनर है वो इसका फ्री यूसेज नहीं चाहता, राइट. या तो वो कुछ अमाउंट इसके बदले में आप उसको पे करो, या फिर वो चाहता ही नहीं है कि आप उसके उसके प्रोडक्ट को या उसकी चीज़ों को आप ऐसे ही यूज करो. जस्ट बिकॉज इट इज ऑन द इंटरनेट डज नॉट मीन डैट इट इज़ फ्री फॉर यूज. इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इंटरनेट पे अवेलेबल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्री है, आप इसको यूज कर सकते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारी इमेजेस होती है जिसके नीचे कॉपीराइट लिखा होता है, ओके. वीडियोस होती है जिसके नीचे कॉपीराइट मटेरियल लिखा होता है, तो आप उनको ऐसे ही यूज नहीं कर सकते हैं. इवन इफ यू आर गिविंग द रेफरेंस, अगर आप रेफरेंस भी दे रहे हैं तब भी आप नहीं यूज कर सकते हैं अगर उन्होंने फ्री यूसेज की परमिशन नहीं दी है, ओके. हैंस चेक द कॉपीराइट स्टेटस ऑफ द राइटर्स वर्क. तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको कॉपीराइट स्टेटस देखना चाहिए कोई भी इमेज, कोई भी ऑडियो, कोई भी वीडियो डाउनलोड करने से पहले, बिफोर यूजिंग इट टू अवॉइड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है, जिससे कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट ना हो, कॉपीराइट का उल्लंघन ना हो, ओके. नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट. ट्रेडमार्क सिंबल्स हो सकते हैं, पिक्चर्स, टेक्स्ट, स्लोगन्स. ट्रेडमार्क की हेल्प से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, अलग अलग कंपनीज को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, राइट. अलग अलग कंपनीज के अलग अलग सिंबल्स होते हैं, अलग अलग स्लोगन्स होते हैं, राइट. जैसे आप, मैंने एक एग्जांपल लिया था अपनी लास्ट वीडियो में कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके सिंबल्स अलग अलग हैं, तो इसके सिंबल्स की हेल्प से आप एक पार्टी को दूसरी पार्टी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो. ऐसे ही अलग अलग कंपनीज के अलग अलग सिंबल्स होते हैं, राइट. आप स्कूल का एग्जाम्पल ले लो, जितने भी स्कूल्स होते हैं उनका एक अलग ट्रेडमार्क होता है, उनकी अलग एक इमेज होती है. जैसे बच्चों की टाई एंड टाई पर, बेल्ट पर एक अलग सिंबल बना होता है, जिससे क्या होता है, एक स्कूल को दूसरे स्कूल से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, राइट. तो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट क्या है, जब आप ट्रेडमार्क किसी और कंपनी के ट्रेडमार्क को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पे लगाकर यूज करो तो वो क्या होगा, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट होगा, ठीक है. ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट मीन्स अनऑथराइज्ड यूज ऑफ अदर्स ट्रेडमार्क ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है. तो यहाँ पे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट क्या है, जब आप किसी और के ट्रेडमार्क को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पर लगाकर यूज कर रहे हो, ठीक है. किसी और के सिंबल्स या स्लोगन या इमेज को आप अपने प्रोडक्ट्स पर यूज कर रहे हो. An owner of the trademark may commence legal proceedings against someone who infringes its registered trademark. तो यहाँ पे trademark का owner commence कर सकता है, start कर सकता है legal proceedings against someone, उसके against जिसने उस registered trademark को का उल्लंघन किया है, उसको illegally use किया है, okay? An open source software, कौन से software होते हैं, an open source software के लिए आपको कौन से open source license का use करना हो?
होता है. ओके, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोर्स. ठीक है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को फोर्स भी कहा जाता है. ये वो सॉफ्टवेयर है जो फ्रीली अवेलेबल है, जिसके लिए आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ता. राइट, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता. एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिनका सोर्स कोड पब्लिक के लिए अवेलेबल है, जिससे कि पब्लिक सोर्स कोड में अपने अकॉर्डिंग कोई भी चेंज कर सकती है. ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन आप देखेंगे, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज बोथ फ्री, जो फ्री है, एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वेयर एनी वन इज फ्रीली लाइसेंस टू यूज, कॉपी, स्टडी एंड चेंज द सॉफ्टवेयर. तो इसको कोई भी यूज कर सकता है, कॉपी कर सकता है, स्टडी कर सकता है, सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकता है इन एनी वे, किसी भी तरह. राइट, एंड द सोर्स कोड इज ओपनली शेयर सो दैट पीपल आर एनकरेज टू वॉलंटरली इम्प्रूव द डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर. फोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड अवेलेबल होता है पब्लिक के लिए, जिससे पब्लिक उसके डिज़ाइन में कोई भी इम्प्रूवमेंट कर सके. ओके, यहाँ पे ये पब्लिक को मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं कि वो अपने क्रिएटिविटी को सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड में अप्लाई करें. राइट, और जो भी चेंज चाहते हैं डिज़ाइन में वो करें. राइट, दिस इज इन द कंट्रास्ट टू द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर विद द सॉफ्टवेयर इज अंडर द रेस्ट्रिक्टिव कॉपीराइट लाइसेंसिंग. फोर्स सॉफ्टवेयर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का अपोजिट होता है. प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो रेस्ट्रिक्टिव, मतलब उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन होती है. आपको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए कॉपीराइट लाइसेंस लेना होता है, एंड द सोर्स कोड इज़ यूजली हिडन फ्रॉम द यूजर्स. एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं होता, वो यूजर्स से हिडन होता है. राइट, यूजर्स उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में कोई भी चेंज यूजर नहीं कर सकता. Right? Free and open source software has a large community of users and developers who are contributing continuously towards adding new features or improving the existing features. तो जो free and open source software है उसकी large community है, user की and developers की, जो continuously contribute कर रहे हैं उसमें new features add करने के लिए. okay, जो और उसके जो existing features है उसमें improvement लाने के लिए. For example, Linux kernel based operating system like Ubuntu and Fedora come under the force. तो यहाँ पे बता दो, एग्जाम्पल दिया गया है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का. आपके पास Ubuntu है, ओके, ये क्या है आपका, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, Fedora है, और ये आपको फ्रीली अवेलेबल होता है. फाइन, जैसे आपने देखा होगा स्कूल्स में एक्स्ट्रा मास क्लासेस होती है, तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली Ubuntu होता है. क्यों? क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है, इसके लिए कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ रहा है. राइट, सम ऑफ द पॉपुलर फोर्स टूल्स आर ऑफिस पैकेजेस लाइक लिब्रे ऑफिस आपका फ्री होता है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं करना पड़ता. ब्राउजर लाइक मोजिला फायरफॉक्स के लिए भी आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है. राइट, ओके, तो ये क्या है, आपके फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. राइट, नाउ वी हैव सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को भी यूज करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर लाइसेंस लेना पड़ता है. राइट, व्हेन ऑथर्स शेयर देयर कॉपीराइटेड वर्क विद अदर्स अंडर पब्लिक लाइसेंस, जब ऑथर अपने कॉपीराइटेड वर्क को शेयर करते हैं पब्लिक के साथ पब्लिक लाइसेंस के अंदर, ठीक है, इट अलाउज अदर्स टू यूज एंड इवन मॉडिफाई द कंटेंट. तो दूसरे लोग उनके कंटेंट को यूज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं. ओके, लाइसेंस प्रोवाइड रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर अदर्स टू यूज द एग्जिस्टिंग वर्क. लाइसेंस किस लिए दिया जाता है? लाइसेंस कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस को बताता है जो यूजर्स को फॉलो करने होते हैं जब वो उस पर्टिकुलर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर को या कॉपीराइटेड वर्क को यूज करता है. राइट, वो किसी और का वर्क है, ओके, यूजर्स किसी और के वर्क को यूज करें, वो किसी और की क्रिएटिविटी को यूज करें, तो यहाँ पे उनको उस पर्टिकुलर वर्क को यूज करने के लिए कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है जो लाइसेंस बताता है. ओके, ओपन सोर्स लाइसेंसेस हेल्प अदर्स टू कंट्रीब्यूट टू एग्जिस्टिंग वर्क एंड प्रोजेक्ट. ओपन सोर्स लाइसेंस दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं कि वो ऑलरेडी जो वर्क हुआ है या सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सके विदाउट सीकिंग स्पेशल इंडिविजुअल परमिशन टू डू सो. और ऐसा करने के लिए यूजर्स को या डेवलपर्स को स्पेशल परमिशन ना लेनी पड़े किसी से. ओके, अगर उनको ओपन सोर्स लाइसेंस मिल गया है तो वो इजिली किसी भी जो उनको वर्क दिया गया है, एग्जिस्टिंग ऑलरेडी क्रिएटेड वर्क दिया गया है या ऑलरेडी क्रिएटेड सॉफ्टवेयर दिया गया है, वो इसमें इजिली अपनी क्रिएटिविटी शो कर सके. ओके, अपना खुद का चेंजेस, अपने खुद के अमेंडमेंट्स ला सके. ओके, सम ब्रॉडली यूज्ड ओपन सोर्स लाइसेंसेस आर, तो यहाँ पे कुछ ओपन सोर्स लाइसेंस दिए गए हैं. क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस
Second is general public license and third is Apache license. Okay. First we have Creative Commons license. It has four basic parts, right? तो इसके four basic parts को follow करना होता है. First we have accreditation. Accreditation क्या होता है? जब किसी को officially recognized किया जाता है, accept किया जाता है या approve किया जाता है, okay? Author must be acknowledged as the creator of the work. आप अगर आप किसी का work use कर रहे हो under the Creative Commons लाइसेंस तो आपको यहाँ पे उस पर्टिकुलर ऑथर को एक्नॉलेजमेंट देना पड़ता है. आपको बताना होता है कि आप किसका वर्क यूज कर रहे हैं. ओके, द वर्क कैन देन बी मॉडिफाइड. ये बताने के बाद आप उस वर्क को मॉडिफाई भी कर सकते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो और लोगों में उसकी कॉपीज भी बना सकते हो और उसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो. फाइन, लेकिन यहाँ पे आपको क्रेडिट देना होगा उसके रियल ऑनर को, उसके रियल ऑथर को. फाइन, सेकंड क्या है, शेयर्ड विद सीसी. द वर्क कैन बी मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. आप उस वर्क को मॉडिफाई भी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, बट ओनली अंडर द सीसी लाइसेंस. लेकिन आप उसको करते वक्त, मान लो आप उसको मॉडिफाई कर रहे हो, राइट, या फिर और दूसरे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो अगर आप दूसरे लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप किस लाइसेंस के साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे? क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जिससे कि जो दूसरे लोग हैं जो आपसे वो सॉफ्टवेयर ले रहे हैं वो भी उसको अंडर द क्रिएटिव कॉमन गाइडलाइंस के तहत उसको यूज करें. ठीक है, ओके. नॉन कमर्शियल वर्क कैन बी मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. आप वर्क को मॉडिफाई भी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, बट नॉट फॉर द कमर्शियल पर्पस. लेकिन कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं, बिजनेस के लिए नहीं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए नहीं, राइट, ओके. तो यहाँ पे नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए आप उसको मॉडिफाई और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं. ओके, नो डेरिवेटिव वर्क. अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ओरिजिनल वर्क में थोड़े से चेंजेस करके एक दूसरा डेरिवेटिव क्रिएट कर दिया. ओके, यू कैन कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूट द लाइसेंस्ड वर्क. आप कॉपी भी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो लाइसेंस वर्क को, बट यू कांट मॉडिफाई इट इन एनी वे और क्रिएट वर्क बेस्ड ऑन द ओरिजिन. तो आप इसको मॉडिफाई करके इसका डेरिवेटिव नहीं क्रिएट कर सकते. ओके, और आप इसको थोड़ा सा, मतलब इससे आप न्यू वर्क ओरिजिन नहीं कर सकते. मान लो सॉफ्टवेयर है, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया आपने और एक न्यू सॉफ्टवेयर बना लिया और उसको अपना नाम दे दिया, तो यहां पे ये क्या है, ये क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस का उल्लंघन है. ओके, यहां पे आप चीटिंग कर रहे हैं क्योंकि आपने किसी के ओरिजिनल वर्क के अंदर हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन करके अपना खुद का वर्क क्रिएट कर लिया और आप उसको अपने नाम से प्रेजेंट कर रहे हैं. फाइन, ओके. नेक्स्ट इज जर्नल पब्लिक लाइसेंस, GPL. इट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. कॉपिंग द सॉफ्टवेयर, देयर इज नो लिमिट टू कॉपिंग द कोड. जब आप जर्नल पब्लिक लाइसेंस लेते हैं तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर के कोड को कितने बार भी कॉपी कर सकते हैं, उस कॉपी करने के लिए कोई भी लिमिट नहीं है. यू कैन कॉपी इट ऑन योर ओन सर्वर. आप सोर्स कोड को, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को के सोर्स कोड को अपने सर्वर पे कॉपी कर सकते हैं, अपने लोकल वर्क स्टेशन पे आप उसको कॉपी कर सकते हैं, एनी वेयर आप कहीं पर भी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं उसके सोर्स कोड को, एंड एज मैनी टाइम्स एज यू वॉन्ट. आप उसको कितनी भी बार कॉपी कर सकते हो किसी भी सिस्टम पर, किसी भी जगह. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट इन योर थंब और हार्ड ड्राइव. आप उस सोर्स कोड को, अगर आपने सॉफ्टवेयर लिया है अंडर द GPL लाइसेंस, तो आप उसको कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. आप हार्ड ड्राइव की हेल्प से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पेन ड्राइव की हेल्प से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द कोड अंडर दिस लाइसेंस विद अ डाउनलोड लिंक. आप डाउनलोड लिंक की हेल्प से भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ऑन योर वेबसाइट. वेबसाइट पर भी आप इसको लोगों के लिए अवेलेबल करा सकते हो जिससे वो इसको यूटिलाइज कर सकें. ओके, और यू कैन प्रिंट द कोड ऑन द पेपर. आप कोड को प्रिंट भी कर सकते हो पेपर पे. इन फैक्ट वट एवर फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यू प्रेफर. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हो अपने लिए, या आप उसको लोगों में बांट सकते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. ओके, चार्ज अ फी. यू कैन चार्ज समवन फॉर द सॉफ्टवेयर. आप सॉफ्टवेयर के लिए किसी से पैसे भी मांग सकते हो, फी भी मांग सकते हो, बट रिमेंबर टू गिव देम अ कॉपी ऑफ GPL लाइसेंस. लेकिन आपको क्या याद रखना है कि अगर आप लोगों को ये सेल आउट भी कर रहे हो तब भी आप लोगों को GPL लाइसेंस की कॉपी दोगे, विच वुड टेल देम दैट दे कुड गेट द सॉफ्टवेयर फ्री फ्रॉम एल्सवेयर, जिससे उन लोगों को पता चले कि ये सॉफ्टवेयर उन्हें कहीं और से फ्री में मिल सकता है, क्योंकि ये क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर है.
ओके. दिस ऑल्सो गिव यू अ चांस टू टेल देम वाई यू आर चार्जिंग फॉर इट. ओके, और आप लोगों को ये भी बता सकते हो कि आप इसके लिए क्यों चार्ज कर रहे हो. देखो, ये सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्लीटली फ्री है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसके लिए कुछ फीस चार्ज कर सकते हो. लेकिन अगर आप ये लोगों को दे रहे हो, ये लोगों को बेच रहे हो, तो आपको ये बताना होगा कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ये अंडर द GPL लाइसेंस है, बट आप क्यों चार्ज कर रहे हो, ये रीजन आपको खुद देना होगा. ओके, नेक्स्ट वी हैव अपाची लाइसेंस. ओके, इट ऑफर्स द फॉलोइंग सेलिएंट फीचर्स. तो अपाची लाइसेंस अगर सॉफ्टवेयर के साथ आप लेते हैं तो कौन से फीचर्स आपको मिलेंगे. राइट्स आर नेवर एंडिंग. वंस द राइट्स अंडर अपाची लाइसेंस हैव बीन ग्रांटेड, यू कैन कंटिन्यू टू यूज देम फॉर एवर. एक बार आपको अपाची लाइसेंस के राइट्स मिल गए, ठीक है, तो आप इसको हमेशा यूज करेंगे थ्रू आउट योर लाइफ. देयर इज नो नीड टू रिन्यू देम. इनको रिन्यू नहीं करना पड़ता. अपाची लाइसेंस को आपको रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा. ओके, वर्ल्ड वाइड अथॉरिटी ऑफ राइट्स. इवन इफ राइट्स आर ग्रांटेड टू वन कंट्री, अगर अपाची लाइसेंस आपको एक कंट्री में दिया गया है, ऑटोमेटिकली दे आर कंसीडर्ड एज ग्रांटेड टू ऑल कंट्रीज. तो ये आप किसी भी कंट्री में जाके इसको यूज कर सकते हैं. ओके, इसका राइट दुनिया के सारी कंट्रीज में कंसीडर किया जाता है. ओके, राइट्स फॉर नो फी और रॉयल्टी, एनी चार्ज, नाइदर अपफ्रंट नॉर पर यूसेज और एनी अदर बेसिस इज एप्लीकेबल. आपको अपाची सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना है. ओके, नाइदर अपफ्रंट. अपफ्रंट क्या होता है, पेड इन एडवांस. ओके, ना तो आपको एडवांस में देना है, ना ही पर यूसेज देना है. किसी भी तरह का आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है. तो अगर अपाची लाइसेंस आपको मिला है तो आप इसको थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं पर भी यूज कर सकते हैं. ओके, राइट, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, ना ही आपको इसको रिन्यू कराना पड़ता है. ओके, साइबर क्राइम क्या होता है एंड साइबर क्राइम के अंडर कौन कौन से क्राइम्स आते हैं. साइबर क्राइम इज एनी क्रिमिनल एक्टिविटी डेट इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस और अ नेटवर्क. ऐसी कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जिसमें कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है, नेटवर्क डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है या नेटवर्क का यूज़ किया जाता है, उनको साइबर क्राइम कहा जाता है. ओके, साइबर क्राइम्स आर कैरिड आउट अगेंस्ट आइदर एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप और एन ऑर्गेनाइजेशन और इवन अगेंस्ट अ कंट्री. साइबर क्राइम किसी के भी अगेंस्ट किया जा सकता है, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट किया जा सकता है, किसी ग्रुप के अगेंस्ट किया जा सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट किया जा सकता है या एंटायर कंट्री के अगेंस्ट किया जा सकता है, विद द इंटेंट टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉज फिजिकल हार्म, फाइनेंशियल लॉस और मेंटल हैरेसमेंट. ओके, साइबर क्राइम का कोई भी इंटेंट हो सकता है. फिजिकल हार्म के लिए साइबर क्राइम किया जा सकता है, फाइनेंशियल लॉस पहुंचाने के लिए या मेंटल हैरेसमेंट के लिए साइबर क्राइम किया जा सकता है. ओके, अ साइबर क्रिमिनल अटैक्स अ कंप्यूटर और अ नेटवर्क टू रीच अदर कंप्यूटर्स इन ऑर्डर टू डिसएबल और डैमेज डेटा और सर्विसेज. साइबर क्रिमिनल एक कंप्यूटर को अटैक कर सकते हैं या कंप्लीट नेटवर्क को अटैक कर सकते हैं, जिससे कि वो नेटवर्क के थ्रू डिफरेंट जो नेटवर्क के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको डैमेज पहुंचा सकें, राइट, डेटा को हार्म कर सकें, और जो भी पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एक पर्टिकुलर नेटवर्क, उस सर्विस को डिसेबल किया जा सके, राइट. Apart from this, a cyber criminal may spread viruses and other malwares in order to steal private and confidential data for blackmailing and extortion. Okay, इसके अलावा cyber criminal network में virus को spread कर सकते हैं, malware को spread कर सकते हैं. virus क्या होता है, code होता है, okay, जिसका malicious intent होता है, right. जो virus होता है वो भी क्या है, एक programming code है, but इस particular जो code का function होता है वो क्या होता है, malicious होता है. मान लो एक code है, वो मैलिशियस है, और उसका फंक्शन क्या है, अगर ये किसी भी कंप्यूटर में घुसता है तो ये अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता रहेगा, उसकी मेमोरी को ये ब्लॉक कर देगा, राइट. ओके, ऐसे ही मालवेयर्स क्या होते हैं, मालवेयर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको डिजाइन किया जाता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस के लिए. ओके, तो यहाँ पे साइबर क्रिमिनल वायरस को स्प्रेड करते हैं, मालवेयर्स को स्प्रेड करते हैं, सो डैट वो क्या कर सकें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या इंडिविजुअल का प्राइवेट डेटा स्टील कर सकें, जिससे कि वो उसको ब्लैकमेल कर सकें और मनी एक्सटॉर्शन कर सकें, उससे जबरन वसूली कर सकें. ओके, साइबर क्राइम इज अ जनरल टर्म डैट कवर्स क्राइम लाइक. तो साइबर क्राइम एक जनरल टर्म दी गई है डिफरेंट डिफरेंट क्राइम्स को, जैसे फिशिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स हो गए आपके, इलीगल डाउनलोडिंग, क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वायरसेस. ओके, स्पैम, स्टीलिंग आइडेंटिटीज, दूसरों की आइडेंटिटीज चुराना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट हो गया, दूसरों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुराना, ऑनलाइन हैरेसमेंट आ गया इसके अंदर, साइबर स्टॉकिंग एंड सो ऑन. ओके,
So the first cyber crime is hacking. Hacking is the act of unauthorized access to a computer, computer network or any digital system. जब कोई भी person unauthorized access करता है किसी भी computer को या computer network को या किसी भी digital system को, उसे hacking कहा जाता है. Unauthorized access means बिना permission के जब कोई भी person किसी दूसरे के computer को access करता है या किसी दूसरे computer network के अंदर वो enter करता है, right? वहाँ के data को steal करता है, तो इसको hacking कहा जाता है, राइट. हैकर्स यूजली हैव टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हैकर्स को टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है हार्डवेयर की एंड सॉफ्टवेयर की. वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर उनको नॉलेज होती है कि कैसे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है. फाइन, दे लुक फॉर बग्स टू एक्सप्लॉइट एंड ब्रेक इनटू द सिस्टम. तो वो क्या करते हैं, बग्स को ढूंढते हैं, फॉल्ट्स को ढूंढते हैं पर्टिकुलर नेटवर्क में या कंप्यूटर के अंदर, जिससे कि वो उस बग्स के थ्रू उस कंप्यूटर के अंदर एंटर कर सकें, सिस्टम को ब्रेक कर सकें, नेटवर्क को ब्रेक कर सकें, राइट. हैकिंग व्हेन डन विद अ पॉजिटिव इंटेंट इज कॉल्ड एथिकल हैकिंग. जब हैकिंग पॉजिटिव इंटेंट के साथ, एक पॉजिटिव मोटिव के साथ की जाती है, उसे एथिकल हैकिंग कहा जाता है. सच एथिकल हैकर्स आर नोन एज वाइट हैट हैकर्स. और ऐसे हैकर्स को जो जिनका एम पॉजिटिव है, राइट, अगर वो हैकिंग कर रहे हैं किसी अच्छे पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, उनको वाइट हैट हैकर्स कहा जाता है. दे आर स्पेशलिस्ट इन एक्सप्लोरिंग एनी वल्नरेबिलिटी और लूप होल ड्यूरिंग टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर. तो जो एथिकल हैकर्स होते हैं, वाइट हैट हैकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्पेशलिस्ट होते हैं एक्सप्लोर करने में, ढूंढने में वल्नरेबिलिटी. वल्नरेबिलिटी क्या होता है, दुर्बलता, कमजोरी ढूंढने में. और लूप होल मतलब वो ये देखते हैं कि जो ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है उसमें कोई लूप होल तो नहीं है, कोई बच निकलने का रास्ता तो नहीं है जिससे कि दूसरे जो वायरस है, मालवेयर्स हैं, वो उसके अंदर घुस सकें, राइट. Thus they help in improving the security of the software. तो वो क्या करते हैं, ये ढूंढ कर ये जो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है या नेटवर्क है या कंप्यूटर सिस्टम है, उसकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते हैं, राइट. An ethical hacker may exploit a website in order to discover its security loopholes or vulnerabilities. Okay, तो ethical hacker website को exploit करता है जिससे कि वो उसके loopholes को find out कर सके, उसकी कमजोरी को find out कर सके, right? He then reports his findings to the website owner. और अगर उसको ऐसा कोई loophole मिलता है या vulnerability मिलती है, वो इसको website owner को बताता है जिससे कि security measures लिए जा सकें website को प्रोटेक्ट करने के लिए. दस एथिकल हैकिंग इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग द ऑनर अगेंस्ट एनी साइबर अटैक. तो एथिकल हैकिंग साइबर अटैक से बचने के लिए की जाती है, राइट. एथिकल हैकर्स के अपोजिट होते हैं नॉन एथिकल हैकर्स. अ नॉन एथिकल हैकर इज द वन हु ट्राइज टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स इन ऑर्डर टू स्टील सेंसिटिव डेटा विद द इंटेंट टू डैमेज और ब्रेक डाउन द सिस्टम. एक नॉन एथिकल हैकर वो पर्सन होता है जो किसी भी सिस्टम में अनऑथोराइज्ड एक्सेस करता है, और उसका मोटिव क्या होता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस का, टू स्टील द सेंसिटिव डेटा, जिससे कि वो सेंसिटिव डेटा को चुरा सके, विद द इंटेंट टू डैमेज और ब्रेक डाउन द सिस्टम, राइट, जिससे कि वो उस सिस्टम को डैमेज कर सके या पूरे जो भी सिस्टम है उसको डाउन ला सके, राइट, उसको डैमेज कर सके. ओके, दे आर कॉल्ड ब्लैक हैट हैकर्स और क्रैकर्स. इनको ब्लैक हैट हैकर्स या क्रैकर्स भी कहा जाता है. देयर प्राइमरी फोकस इज ऑन सिक्योरिटी क्रैकिंग एंड डेटा स्टीलिंग. तो नॉन एथिकल हैकर्स का मेन फोकस सिक्योरिटी क्रैकिंग होता है और डेटा स्टीलिंग होता है, मतलब इनका इंटेंस मैलिशियस इंटेंट होता है. ओके, दे यूज़ देयर स्किल फॉर इलीगल और मैलिशियस पर्पस. ये अपनी स्किल का यूज़ इलीगल पर्पस के लिए करते हैं, मैलिशियस पर्पस के लिए करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं. सच हैकर्स ट्राई टू ब्रेक थ्रू सिस्टम सिक्योरिटीज फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट. ये सिस्टम सिक्योरिटीज को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं जिससे कि ये आइडेंटिटी थेफ्ट कर सके, मतलब दूसरों की जो आइडेंटिटी है उसको चुरा सके, मॉनेटरी गेन के लिए ऐसा करते हैं. ठीक है, टू ब्रिंग अ कंपटीटर और राइवल साइट डाउन. अगर इनकी कोई राइवल साइट है, राइट, वेबसाइट है या इनका किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपटीशन है, उसको नीचे लाने के लिए. टू लीक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, किसी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक करने के लिए ब्लैक हैट हैकर्स काम करते हैं, राइट.
Next we have eavesdropping. Eavesdropping is an unauthorized real-time interception or monitoring of private communication between two entities over a network. जब दो लोग नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, प्राइवेट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो eavesdropping क्या होता है? अनऑथोराइज्ड रियल टाइम इंटरसेप्शन होता है. मतलब यहाँ पे दो लोगों की बातों को चुपचाप इंटरसेप्ट किया जाता है, मतलब कैच किया जाता है, उनकी बातों को सुना जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, राइट? ओके, परमिशन के बगैर. ओके, ऑल्सो द जैसे फोन टैपिंग की जाती है, जहाँ पे दो लोगों की बातों को चुपचाप सुना जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, वैसे ही क्या है, ईवड्रॉपिंग है, जो नेटवर्क के थ्रू लोगों की कम्युनिकेशन को, रियल टाइम कम्युनिकेशन को, रियल टाइम मतलब जिस वक्त वो बात कर रहे हैं उस टाइम की कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, कैच किया जा रहा है, चोरी किया जा रहा है यहाँ पे. ओके, ऑल्सो द टारगेट्स आर यूजली द प्राइवेट कम्युनिकेशन चैनल्स. तो यहाँ पे जो टारगेट होते हैं वो प्राइवेट कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, लाइक फोन कॉल्स हो गई आपकी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, राइट, जो इंटरनेट के थ्रू आप वॉइस कॉल्स करते हो, इंस्टेंट मैसेजेस हो गए, वीडियो कॉन्फ्रेंस, फैक्स ट्रांसमिशन एसेट्रा, राइट. तो यहाँ पे जो नेटवर्क के थ्रू डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसे रियल टाइम पर इंटरसेप्ट करना, मतलब जब वो कम्युनिकेशन चल रहा है उस टाइम पर उसको इंटरसेप्ट करना, उसको चुराना, उसको सुनना, रिकॉर्ड करना, उसको ईवड्रॉपिंग कहा जाता है. ओके, In older days, eavesdropping was performed on the conventional telephone lines and was known as wiretapping. Eavesdropping, older days, जो आपके पुराने time में भी eavesdropping होती थी, वहाँ उस time पर conventional telephone जो lines होती थी उनको intercept किया जाता था, right? Intercept means वहाँ पे signals को catch किया जाता था और wiretapping की जाती थी, दो लोगों के बीच की communication को, ये बातचीत को record किया जाता था. Okay, उसको wiretapping कहा जाता था. Digital devices like laptops and cell phones that have built-in microphones or camera can be easily hacked and eavesdropped using rootkit malware. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि digital devices को बहुत जल्दी hack किया जा सकता है, right? Malwares की help से उनको hack किया जा सकता है. Laptops हो गए, cell phones हो गए आपके, जिनके अंदर inbuilt microphones हैं, cameras हैं, okay? उनको hack करके, rootkit malware की help से hack करके eavesdrop किया जा सकता है, okay? Eavesdropping happens in real time. Eavesdropping real time में की जाती है, मतलब current time में जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उसी टाइम पे उनकी बातचीत को कैच करना, उन इंटरसेप्ट करना. एज एन एग्जांपल, इन ईवड्रॉपिंग इमेजिन सम वन लिसनिंग टू योर प्राइवेट कन्वर्सेशन विद द हेल्प ऑफ हिडन माइक्रोफोन इन योर रूम. जैसे कि आप अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे हैं और वहीं पर कोई आपकी बातों को चुपचाप सुन रहा है हिडन माइक्रोफोन की हेल्प से. ओके, और वाई फिजिकली स्टैंडिंग नियर द विंडो ऑफ योर रूम. या फिर आप बात कर रहे हैं, कोई आपकी विंडो के बाहर खड़ा हुआ है, वो आपकी बातें सुन रहा है, तो रियल टाइम में यहाँ पे बातचीत को सुना जा रहा है, इसको ईवड्रॉपिंग कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट वी हैव फिशिंग एंड फ्रॉड इमेज. फिशिंग इज एन अनलॉफुल एक्टिविटी वेयर फेक वेबसाइट्स और इमेज दैट लुक ओरिजिनल और ऑथेंटिक आर प्रेजेंटेड टू द यूजर्स. फिशिंग एक इलीगल एक्टिविटी है जिसके अंदर फेक वेबसाइट एंड फेक ईमेल्स को ओरिजिनल या ऑथेंटिक बना के, जेन्यून बना के लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है टू फ्रॉडुलेंटली कलेक्ट सेंसिटिव एंड पर्सनल डिटेल, जिससे कि यूजर्स की, लोगों की फ्रॉड करके सेंसिटिव और पर्सनल डिटेल्स को चुराया जा सके, पर्टिकुलरली यूजर नेम, पासवर्ड, बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स. जिसे और कौन से डिटेल्स यहाँ पे पर्टिकुलरली बताई गई है, यूजर नेम्स, पासवर्ड्स, बैंकिंग डिटेल्स, ओके, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, राइट. द मोस्ट कॉमन फिशिंग मैथड इज थ्रू ई मेल स्पूफिंग वेयर अ फेक और फोर्ट ई मेल एड्रेस इज यूज एंड द यूजर प्रिज्यूम्स इट टू बी फ्रॉम एन ऑथेंटिक सोर्स. तो जो मोस्ट कॉमन फिशिंग मेथड है वो क्या है, ईमेल स्पूफिंग है, जहां पे फेक ईमेल एड्रेस को यूज किया जाता है, पर वो क्या होता है, एक ऑथेंटिक ईमेल एड्रेस से मिलता जुलता होता है, जिससे कि जो यूजर है वो उस पर्टिकुलर एड्रेस को ऑथेंटिक मान सके, जेन्युइन मान सके. सो यू माइट गेट एन ईमेल फ्रॉम एन एड्रेस दैट लुक सिमिलर टू योर बैंक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. तो आपको ऐसा ईमेल मिल सकता है जो आपको लगे कि या तो आपके बैंक से आया है, मान लो ये एक एग्जांपल है, या आप कहीं पढ़ रहे हैं तो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आया है आस्किंग फॉर योर इन्फॉर्मेशन, और इसके थ्रू आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है. बट इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल सी देयर यूआरएल एड्रेस इज फेक. लेकिन अगर आप यूआरएल को, एड्रेस को अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें स्लाइट डिफरेंस होता है, क्योंकि वो जो एड्रेस होता है वो फेक होता है, राइट. दे विल ऑफन यूज लोगोज ऑफ द ओरिजिनल मेकिंग देम डिफिकल्ट टू डिटेक्ट फ्रॉम द रियल. तो यहाँ पे जो फेक ईमेल एड्रेस बनाए जाते हैं, ओके, वो उनके अंदर ओरिजिनल लोगों का यूज़ किया जाता है, जिससे कि डिफ़िकल्ट हो सके यूज़र को पहचानना कि रियल है या फेक है. ओके,
Phishing attempts through phone calls or text messages are also common in these days. Okay, phishing आपको phishing जो होता है एक fraud है, ये आपके साथ phone calls के through भी हो सकता है, text messages के through भी हो सकता है. आपके पास phone calls आ सकती हैं जिसमें आपसे मांगा जा सकता है कि हम आपके bank से बोल रहे हैं, आपको these आपको कुछ particular details देनी है, या आपको text message आ सकता है कि आप एक particular institution से आया है, जिसमें मान लो आप एक institute में पढ़े वहाँ से आया, आपको लगेगा वहाँ से आया, बट अगर आपने उसको अच्छे से चेक नहीं किया और आपने अपनी डिटेल्स दे दी, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा. राइट, ओके. तो फिशिंग किसी भी तरीके से किया जा सकता है. फिशिंग में क्या है, ये आपको जो फिशिंग जो फ्रॉड है वो आपको फ्रॉड करते हैं वेबसाइट्स के थ्रू, मेल्स के थ्रू, फोन कॉल्स के थ्रू, टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू. ओके, नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिटी थेफ्ट. किसी की आइडेंटिटी को चोरी करना और वो पर्टिकुलर पर्सन बनके जिसका आपने जिसकी आइडेंटिटी चोरी की है उसकी उसकी चीज़ों को एक्सेस करना, उसके बैंक अकाउंट को एक्सेस करना, उसका फाइनेंशियल डेटा एक्सेस करना, ये किसके अंदर आता है, आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर आता है. ठीक है, आइडेंटिटी थीफ्स इंक्रीजिंगली यूज पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोलन फ्रॉम द कंप्यूटर्स और कंप्यूटर नेटवर्क्स. आइडेंटिटी थीफ्स पर्सनल इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं जो उन्होंने चुराई होती है कंप्यूटर से या कंप्यूटर नेटवर्क से, टू कमिट फ्रॉड बाय यूजिंग द डेटा गेन्ड अनलॉफुली. राइट, और इस डेटा का वो यूज करते हैं फ्रॉड करने के लिए जो उन्होंने अनलॉफुली चुराया है, गेन किया है. ओके, अ यूजर्स आइडेंटिफिएबल पर्सनल डेटा लाइक डेमोग्राफिक डिटेल्स, किसी भी यूजर का डेटा जैसे कि डेमोग्राफिक डिटेल्स हो गई, उसका एज हो गया, जेंडर हो गया, नेशनलिटी हो गई, एजुकेशन हो गया, ईमेल आईडी, बैंकिंग क्रेडेंशियल्स, पासपोर्ट, पैन, आधार नंबर एंड वेरियस सच पर्सनल डेटा स्टोलन एंड मिसयूज्ड बाय द हैकर्स ऑन बिहाफ ऑफ दैट विक्टिम. मान लो आपके पास किसी की बैंकिंग क्रेडेंशियल्स है तो आप इजिली उसके बैंक अकाउंट को हैंडल कर सकते हो. राइट, दिस इज वन टाइप ऑफ फिशिंग अटैक वेयर द इंटेंशन इज लार्जली फॉर मॉनेटरी गेन. तो ये एक टाइप का फिशिंग अटैक ही है जहां पे किसी दूसरे पर्सन का पर्सनल डेटा चोरी करके उसकी पर्सनल चीजों को यूज किया जाता है. राइट, ओके. There can be many ways in which the criminal takes advantage of an individual's stolen identity. तो बहुत सारे तरीकों से criminal advantage ले सकते हैं उस identity का जिसको उन्होंने steal किया हुआ है. Okay, given below are few examples. तो कुछ examples यहाँ पे दिए गए हैं. Financial identity theft. When the stolen identity is used for the financial gain, जब किसी की stolen identity का use किया जाता है financial gain के लिए, उसके bank account को access करने के लिए, उसे financial identity theft कहा जाता है. Okay, the next one is criminal identity theft. Criminal use a victim's stolen identity to avoid detection of their true identity. यहाँ पे criminals किसी और की identity का use करते हैं अपने आप को, अपनी identity को छुपाने के लिए, जैसे किसी और के आधार कार्ड, पैन कार्ड का use किया. Okay, उस particular person का नाम अपना रख लिया, अपने नाम को छुपा दिया. राइट, अपनी आइडेंटिटी को छुपा दिया. ओके, और उसकी आइडेंटिटी से वो क्या करते हैं, दुनिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ पे क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या है, वो किसी और की आइडेंटिटी का यूज़ करके अपने आप को वो उस पर्टिकुलर पर्सन की प्लेस पर दिखा रहे हैं. ओके, मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट. क्रिमिनल कैन सीक मेडिकल ड्रग्स और ट्रीटमेंट यूजिंग अ स्टोलन आइडेंटिटी. किसी और पर्सन की आइडेंटिटी के बेसिस पर वो मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, मेडिकल ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो ये मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाएगा. राइट, next is ransomware. okay, this is a kind of cyber crime where the attacker gains access to the computer and block the user from accessing usually by encrypting the data. to ye ek tarah ka cyber crime hai jahan pe attacker computer ko apne under le leta hai. okay, uska access completely apne under le leta hai, jo computer ka user hota hai usko block kar deta hai ki wo na hi apne computer ko access kar sakta hai, na hi uska koi bhi data wo use kar sakta hai usually by encrypting the data. और वो ऐसे कैसे करता है, वो उसके डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है. राइट, एक कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. द अटैकर ब्लैकमेल्स द विक्टिम टू पे फॉर गेटिंग एक्सेस टू द डेटा और सम टाइम्स थ्रेटन टू पब्लिश पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. अटैकर जो जिसने अटैक किया है वो विक्टिम को ब्लैकमेल करता है और उसको कहता है कि अगर तुम्हें एक्सेस चाहिए अपने डेटा का तो आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा. राइट, आपको अपने डेटा के एक्सेस के लिए अमाउंट पे करना पड़ेगा. और सम टाइम्स वो क्या करता है, वो थ्रेट देता है, धमकी देता है यूजर की पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को पब्लिश करने की. राइट, और फोटोग्राफ्स अनलेस अ रैंसम इज पेड. जब तक कि रैंसम पे नहीं होती है, मान लो यहां पे क्या हुआ है, आपका सिस्टम किडनैप हो गया है. ओके,
राइट और आपका सिस्टम, आपका डिवाइस आपको तभी मिलेगा, उसका डेटा आपको तभी मिलेगा जब आप उसके लिए कुछ अमाउंट, कुछ रैंसम अमाउंट पे करोगे, राइट ओके। रैंसम वेयर कैन गेट डाउनलोडेड व्हेन द यूजर विजिट एनी मैलिशियस और अनसिक्योर वेबसाइट और डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम डाउटफुल रिपोजिटरीज, राइट। तो यहाँ पे रैंसम वेयर एक एक तरीके का मालवेयर है, राइट, जो डाउनलोड हो जाता है आपके सिस्टम में जब आप क्या करते हो, किसी मैलिशियस या अनसिक्योर वेबसाइट पर आप विजिट करते हो, आप किसी गलत वेबसाइट पे जाके विजिट करते हो, ओके, या आप किसी डाउटफुल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो अपने सिस्टम पर, ओके। सम रैंसम वेयर आर सेंट एज ईमेल अटैचमेंट इन स्पैम मेल्स। स्पैम मेल्स कई बार क्या होता है, आपके पास बहुत सारी स्पैम मेल्स आती है और आप क्या करते हो उनको खोल खोल के देखते हो और वहाँ पे लिंक्स दिए हुए तो उन्हें क्लिक कर देते हो। ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए, स्पैम मेल्स को आपको टच नहीं करना है, सिंपली उसको डिलीट कर दो। रैंसम वेयर जो स्पैम मेल्स होते हैं उसमें समटाइम्स क्या होते हैं, इस टाइप के मलिशियस कोड्स होते हैं, रैंसम वेयर्स होते हैं, राइट। अगर आपने एक बार भी उनको क्लिक किया, उस लिंक को आपने टच किया, तो आपके सिस्टम में रैंसम वेयर इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। इट कैन ऑल्सो रीच आर सिस्टम व्हेन वी क्लिक ऑन अ मलिशियस एडवर्टाइजमेंट ऑन द इंटरनेट। और ये समटाइम्स कैसे आते हैं, जब आप क्या करते हो मलिशियस एडवर्टाइजमेंट को क्लिक कर देते हो, कोई भी एडवर्ट, आप मान लो कुछ डेटा सर्च कर रहे हो और कुछ भी पॉपअप आया किसी एडवर्टाइजमेंट का, आपने एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर दिया, तो क्या हो सकता है, वो मलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो रैंसम वेयर हो सकता है जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाए, ओके। नेक्स्ट वी हैव साइबर ट्रोल्स। आपने ट्रोल्स का नेम तो सुना होगा, ये आजकल बहुत कॉमन है। ट्रोल्स क्या होते हैं, वो लोग होते हैं जिनका मोटिव होता है किसी दूसरे पर्सन को नीचा दिखाना, राइट, उसके बारे में नेगेटिव कमेंट करना, र्यूमर्स फैलाना, राइट, तो उनको साइबर ट्रोल्स कहा जाता है। साइबर ट्रोल्स रेफर टू अ पर्सन हु पर्पसली पोस्ट अपोजिंग, सरकास्टिक, डीमीनिंग और इंसल्टिंग कमेंट्स। वो पर्सन जो सरकास्टिक कमेंट्स करता है, डीमीनिंग कमेंट्स करता है, डीमीनिंग मतलब गलत मीनिंग की, इंसल्टिंग कमेंट्स करता है अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, विद द एम ऑफ टारगेटिंग अ पर्सन ऑनलाइन। जिससे ये यहाँ पे एक एम क्या है, उस पर्टिकुलर पर्सन को, ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी चीज़ को टारगेट करना, ऑनलाइन टारगेट करना, नेटवर्क के थ्रू टारगेट करना, राइट। ट्रोलिंग इज अ साइबर क्राइम। ट्रोलिंग एक साइबर क्राइम है, इनफैक्ट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ साइबर बुलिंग। इसे साइबर बुलिंग माना जाता है, ओके। साइबर ट्रोलिंग अ फॉर्म ऑफ साइबर बुलिंग। यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन दी गई है साइबर ट्रोलिंग की, इट इज अ काइंड ऑफ साइबर बुलिंग इन्वॉल्व पोस्टिंग अब्यूसिव, थ्रेटनिंग और हैरेसिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। तो साइबर ट्रोलिंग क्या है, अब्यूसिव या थ्रेटनिंग या हैरेसिंग कंटेंट को पोस्ट करना सोशल मीडिया पर और अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अब्यूसिव, थ्रेटनिंग या हैरेसिंग कंटेंट को पोस्ट करना। इट कैन हैव डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन विक्टिम्स। और जिसके लिए पोस्ट किया जा रहा है उसके ऊपर इसका बहुत बुरा असर होता है, कॉजिंग इमोशनल डिस्ट्रेस, उसको इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। तो ट्रोलिंग जो लोग करते हैं उनको समझना चाहिए कि वो जो इतने नेगेटिव कमेंट्स किसी और के लिए दे रहे हैं, यही नेगेटिव कमेंट्स अगर उनके लिए किए जाएं तो कैसा होगा, राइट। वो ये करते हैं किसी मोटिव के थ्रू, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को लेट डाउन करने के लिए, राइट। नेक्स्ट वी हैव साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग इज अ काइंड ऑफ बुलिंग, ओके, जिसको इंटरनेट या नेटवर्क डिवाइसेस की हेल्प से किया जाता है। अ फॉर्म ऑफ हैरेसमेंट और बुलिंग इन्फ्लिक्टेड थ्रू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स एक्सेट्रा। जब कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स के थ्रू किसी को हैरेस किया जाता है, बुली किया जाता है, उसे साइबर बुलिंग कहा जाता है। साइबर बुलिंग के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, सेंडिंग हर्टफुल टेक्स्ट और इंस्टेंट मैसेजेस, किसी को हर्टफुल टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करना, पोस्टिंग एम्बरेसिंग फोटोज और वीडियोस ऑन द सोशल मीडिया, किसी से रिलेटेड फोटोज या वीडियोस सोशल मीडिया पर पोस्ट करना जिससे वो एम्बरेस फील करे, ओके, हैकिंग इनटू समवंस गेमिंग और सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल, किसी के सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल को हैक करना, राइट, किसी के गेम को हैक करना, स्प्रेडिंग सीक्रेट्स और र्यूमर्स अबाउट पीपल ऑनलाइन, लोगों के लिए र्यूमर फैलाना, ऑनलाइन र्यूमर फैलाना, ओके, प्रिटेंडिंग टू बी समवन एज टू स्प्रेड हर्टफुल मैसेजेस ऑनलाइन, किसी और की आइडेंटिटी को यूज करके हर्टफुल मैसेजेस को ऑनलाइन फैलाना, ओके। तो ये किसके अंडर आता है, ये साइबर बुलिंग के अंडर आता है। ये कुछ एग्जांपल है जो बताते हैं कि साइबर बुलिंग कैसे किया जाता है। साइबर क्राइम से बचने के लिए आप कौन कौन से साइबर सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज टेक रेगुलर बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा। आपके डिवाइस पे जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है आप उसका रेगुलर बैकअप लेके रखें, उसको हार्ड ड्राइव में, फ्लैश ड्राइव में या क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से आप रिमोट सर्वर्स पे अपने डेटा को, अपने
डेटा का बैकअप लेके रख सकते हैं, राइट। तो अगर आपका इन केस कंप्यूटर या आपका डिवाइस हैक होता है या उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आपका इंपॉर्टेंट डेटा वहाँ पर आपके पास अवेलेबल होगा इन द फॉर्म ऑफ बैकअप। ओके, यूज़ इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड कीप इट अपडेटेड ऑलवेज। हमेशा अपने डिवाइस में, अपने सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखें, राइट, और उसको टाइम टू टाइम अपडेट भी करते रहें। ओके, जब आप अपडेट करते हो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को तो उसमें न्यू फीचर्स एड ऑन होते रहते हैं। ओके, तो अगर कोई भी मान लो ऐसा कोई मालवेयर है जिसकी कोडिंग में कुछ अमेंडमेंट है, तो जो एंटीवायरस अपडेट होके आया है, राइट, वो उसको इजिली ट्रैप कर सकता है। अगर ओल्ड एंटीवायरस है तो उसको पहचान ही नहीं पाएगा, मालवेयर को पहचान ही नहीं पाएगा। तो आपको हमेशा अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखना है। ओके, अवॉइड इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स। कभी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पे, अपने डिवाइस पे इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। ऑलवेज डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम नॉन एंड सिक्योर साइट्स। हमेशा अपने, अगर आपको सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करके इंस्टॉल करने अपने सिस्टम पे, तो उनको हमेशा सिक्योर साइट से आपको डाउनलोड करना है। ओके, ऐसी वेबसाइट जिनके स्टार्टिंग में जो प्रोटोकॉल है वो HTTPS है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, राइट। तो जो HTTPS है वो क्या बताता है कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट एक सिक्योर वेबसाइट है। ओके, उस वेबसाइट से आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। ऑलवेज अपडेट द सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इंक्लूड द इंटरनेट ब्राउजर एंड अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमेशा अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को, मीन्स अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करके रखें। इससे आपका ब्राउजर भी अपडेट होगा, साथ के साथ आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी अपडेट होंगे, राइट। डू नॉट विजिट और डाउनलोड एनी थिंग फ्रॉम अनट्रस्टेड वेबसाइट। कहीं कभी भी आप ऐसी वेबसाइट पर विजिट ना करें, ऐसी वेबसाइट को आप क्लिक ना करें जो अनट्रस्टेड हो, राइट, जो आपको लगे कि वो सही वेबसाइट नहीं है। और उस पर्टिकुलर वेबसाइट से आप कोई भी गेम, कोई भी सॉन्ग, कुछ भी डाउनलोड ना करें, राइट। यूजली द ब्राउजर अलर्ट्स यूजर्स अबाउट डाउटफुल वेबसाइट। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ब्राउजर आपको अलर्ट कर देता है अगर आप किसी डाउटफुल वेबसाइट को विजिट करते हो। हु सिक्योरिटी सर्टिफिकेट कुड नॉट बी वेरीफाइड, अवॉइड विजिटिंग सच साइट्स। अगर आपको कोई अलर्ट मैसेज मिल रहा है ब्राउजर की तरफ से, तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट को आप विजिट ना करें। ओके, अवॉइड करें ऐसी वेबसाइट्स को विजिट करना, राइट। नेक्स्ट, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर वेब लॉगिंग एंड चेंज इट पीरियडिकली, राइट। आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, आपका सोशल मीडिया पे अकाउंट है, आपके अदर प्लेटफॉर्म पे अकाउंट्स हैं, राइट, आप उसके लिए हमेशा वेब ब्लॉगिंग कर रहे हो तो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप यूज़ करें। ओके, और उस पासवर्ड को आप टाइम टू टाइम पीरियडिकली उसको चेंज करते रहें। डू नॉट यूज सेम पासवर्ड फॉर ऑल द वेबसाइट। ऐसे नहीं करना कि आपका जितने भी प्लेसेस पे अकाउंट है, मान लो आपका फेसबुक पे अकाउंट है आपका और हैंगआउट पे अकाउंट है, राइट, तो आप क्या करोगे, सब में सेम पासवर्ड ना यूज़ करें। ओके, सबके पासवर्ड अलग हों। यूज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेशल करेक्टर्स। और आप जब पासवर्ड बनाते हो, राइट, ओके, डालते हो एट द टाइम ऑफ जब आप अपना ईमेल अकाउंट बनाते हो या आप किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पे जब आप लॉगिन करते हो, तो अगर आप पासवर्ड क्रिएट कर रहे हो तो ऐसा पासवर्ड क्रिएट करो जिसके अंदर अल्फाबेट्स भी हो, नंबर्स भी हो, स्पेशल करेक्टर्स भी हो, राइट। इग्नोर कॉमन वर्ड्स और नेम्स इन पासवर्ड्स। ऐसा छोटा सा पासवर्ड ना रखें कि अपना नाम रख दिया या अपना डेट ऑफ बर्थ रख दिया या अपना फोन नंबर रख दिया, ऐसा नहीं रखें। वो क्या होता है, इजिली कोई भी उसे पहचान सकता है। मान लो आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपका नेम जानते हैं, आपकी बर्थ डेट जानते हैं, वो क्या कर सकते हैं, आपका अकाउंट वो हैक कर सकते हैं, राइट। ओके, तो हमेशा ही जो आपका पासवर्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, और आप टाइम टू टाइम अपने पासवर्ड को चेंज करते रहें, राइट। वाइल यूजिंग समवन एल्स कंप्यूटर डोंट अलाउ ब्राउजर टू सेव पासवर्ड और ऑटो फिल डेटा। जब आप किसी और के सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ओके, तो वहाँ पे आप ब्राउजर को अलाउ ना करें कि वो आपके पासवर्ड को सेव करे या आपका डेटा ऑटो फिल करे, राइट। ट्राई टू ब्राउज इन योर प्राइवेट ब्राउजर विंडो। और हमेशा कोशिश करें कि आप जो भी वर्क करें, ब्राउजिंग वर्क करें, वो अपनी प्राइवेट ब्राउजर विंडो में करें। ओके, फॉर एन अननोन साइट डो नॉट एग्री टू यूज कुकीज व्हेन आस्क्ड फॉर थ्रू अ येस नो ऑप्शन। ओके, अगर आप किसी अननोन साइट पे गए हुए हैं, ओके, और वहाँ पे आप कुछ सर्च कर रहे हैं, आपके पास क्या आएगा, एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा, वहाँ पे लिखा आ जाएगा दिस पर्टिकुलर साइट विल इंस्टॉल कुकीज ऑन योर सिस्टम। उसके लिए कभी भी येस ना करें, राइट, और येस नो भी ना करें, उसका जो पॉपअप आए सिंपली उसको क्रॉस कर दें। ओके,
क्योंकि अगर आपने एक बार यस कर दिया, वो पर्टिकुलर वेबसाइट आपके सिस्टम पे कुकीज़ को इंस्टॉल कर देगी और फिर वो आपको आपका सिस्टम स्पाई करेगी, जो भी आप वेबसाइट्स विजिट करेंगे वो पूरा डेटा उस पर्टिकुलर वेबसाइट के पास जाएगा. ओके, परफॉर्म ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लाइक शॉपिंग, टिकटिंग एंड अदर सच सर्विसेज ओनली थ्रू वेल नोन एंड सिक्योर साइट्स. अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ओके, ऑनलाइन टिकट्स आप बुक कराते हैं और दूसरी ऑनलाइन सर्विसेज आप यूज़ करते हैं, तो आप हमेशा याद रखें, हमेशा ध्यान रखें कि आप वेल नॉन वेबसाइट से ही ये सब काम करें. ओके, ऑलवेज सिक्योर वायरलेस नेटवर्क एट होम विद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड रेगुलरली चेंज इट. अगर आपके घर में वायरलेस नेटवर्क है, ओके, वाईफाई है, तो हमेशा उसका पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग रखें और उस पासवर्ड को भी आप रेगुलरली चेंज करते रहें. ओके, व्हाट इज मालवेयर? मालवेयर क्या होता है? मालवेयर शॉर्ट फॉर द मैलिशियस सॉफ्टवेयर. मैलिशियस सॉफ्टवेयर को शॉर्ट फॉर्म में मालवेयर कहा जाता है. मैलिशियस सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी फंक्शनिंग मैलिशियस होती है, हार्मफुल फंक्शनिंग होती है. रेफर्स टू एनी इंट्रूसिव सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द साइबर क्रिमिनल्स. मालवेयर को साइबर क्रिमिनल्स इन्वेंट करते हैं, बनाते हैं, डेवलप करते हैं. ओके, और ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है? इंट्रूसिव सॉफ्टवेयर होता है, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके बिना परमिशन के आपके सिस्टम में घुसपैठ कर है. इट्स लाइक अ इंट्रूडर. लाइक ओके, इसको कौन क्रिएट करता है? साइबर क्रिमिनल्स इसको क्रिएट करते हैं, जिनको हैकर्स भी कहा जाता है. और इसको क्रिएट क्यों किया जाता है? मालवेयर सॉफ्टवेयर क्यों बनाए जाते हैं? टू स्टील डेटा, आपका डेटा चोरी करने के लिए, एंड डैमेज और डिस्ट्रॉय कंप्यूटर सिस्टम्स. कंप्यूटर सिस्टम्स को डैमेज करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, नेटवर्क्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, या यूजर्स को हार्म पहुंचाने के लिए. ओके, एग्जाम्पल ऑफ कॉमन मालवेयर इंक्लूड्स, तो डिफरेंट टाइप्स के मालवेयर्स होते हैं, वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर एंड रैंसमवेयर. राइट, तो इस वायरस क्या होता है? द टर्म कंप्यूटर वायरस वॉज कॉइंड बाय द फ्रेड कोहेन इन 1985. कंप्यूटर वायरस जो नाम आया वो किसने दिया था? फ्रेड कोहेन ने दिया था 1985 में. ओके, एंड हैज बीन बोरोड फ्रॉम बायोलॉजिकल साइंस विद ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग एंड बिहेवियर. और ये नाम उन्होंने कहाँ से लिया था? उन्होंने बायोलॉजिकल साइंस से लिया था. ओके, और वहां से किस चीज से सिमिलर करता था? ये बायोलॉजिकल वायरस से सिमिलर करता था. ओके, द ओनली डिफरेंस इज दैट विक्टिम इज अ कंप्यूटर सिस्टम एंड द वायरस इज अ मेलिशियस सॉफ्टवेयर. अब यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे विक्टिम ह्यूमन बींग नहीं है. बायोलॉजिकल वायरस क्या करता है? ह्यूमन बींग पर या एनिमल्स पर अटैक करता है, बट कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम पर अटैक करता है. और ये क्या होता है कंप्यूटर वायरस? इट इज़ अ मेलिशियस सॉफ्टवेयर. एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी वर्किंग क्या होती है? मेलिशियस होती है, संदिग्ध होती है. संदिग्ध मीन्स वो हार्मफुल वर्किंग करता है. राइट, नाउ अ वायरस इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कोड क्रिएटेड टू परफॉर्म मेलिशियस एक्टिविटीज. तो वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर कोड है, राइट, जिसको क्रिएट किया गया है मेलिशियस एक्टिविटीज करने के लिए. एंड हैम्पर रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स लाइक सीपीयू टाइम और कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज को, उनकी फंक्शनिंग को रोकने के लिए, उनकी फंक्शनिंग में रुकावट लाने के लिए, CPU टाइम इंटरप्ट करने के लिए, मेमोरी में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, पर्सनल फाइल्स को करप्ट करने के लिए और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को डिलीट करने के लिए या स्टील करने के लिए. ओके, अ वायरस इज अ प्रोग्राम डेट कॉपीज इटसेल्फ. वायरस क्या होता है? अपने आप की कॉपीज बनाता रहता है, अपनी कॉपीज बनाता रहता है, रेप्लीकेशन करता रहता है. गेट्स अटैच टू अदर फाइल्स, और कॉपीज बना बना के क्या करता है? दूसरी फाइल्स के साथ अटैच होता रहता है. एंड इन्फेक्ट्स अ पीसी, और किसी भी सिस्टम को कंप्लीटली इन्फेक्ट कर देता है, स्प्रेडिंग फ्रॉम वन फाइल टू द अनदर. उसकी सारी इसको करप्ट कर देता है. एंड देन फ्रॉम वन पीसी टू द अनदर व्हेन द फाइल्स आर कॉपीड और शेयर. अगर इन्फेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम की कोई भी फाइल कोई दूसरा सिस्टम यूज करता है, कोई दूसरा कंप्यूटर सिस्टम या कोई दूसरा डिवाइस यूज करता है, तो क्या होता है? वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है. राइट, नो, वायरसेस बिहेव डिफरेंटली. अब वायरस जो अलग अलग तरीके के वायरस होते हैं और सबका बिहेवियर डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द रीजन और मोटिवेशन बिहाइंड देयर क्रिएशन. तो जिस रीजन के लिए उनको बनाया गया है वो वैसा ही बिहेव करते हैं. ओके, सम ऑफ द, अब यहाँ पे देखो वायरस खुद से नहीं बने, इनको बनाया गया है, इनकी कोडिंग करके इनको बनाया गया. राइट, some of the most common intention or motives behind viruses include stealing passwords or data. तो वायरस किस लिए क्रिएट किए जाते हैं? उनका जो मोस्ट कॉमन मोटिव है वो क्या है? पासवर्ड को स्टील करना, डेटा को स्टील करना, फाइल्स को करप्ट करना. ओके, स्पैमिंग द यूजर्स ईमेल कॉन्टैक्ट्स, यूजर के जो ईमेल कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भर देना स्पैम मेल से. ओके, एंड इवन टेकिंग कंट्रोल ऑफ द यूजर्स मशीन, और किसी और पर्सन की मशीन का कंप्लीट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना. फाइन,
सम वेल नोन बायसेस इंक्लूड क्रिप्टो लॉकर, आई लव यू. तो यहाँ पे ये क्या है, बायसेस की कुछ एग्जाम्पल्स है, माई डूम, सेसर, नेट स्काई, स्लैमर, स्टक्स नेट एसेट्रा. ओके, नेक्स्ट वी हैव ट्रोजन हॉर्स. अ ट्रोजन इज अ मालवेयर. ट्रोजन क्या है, एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, मालवेयर है, डेट लुक्स लाइक अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, जो एक रियल सॉफ्टवेयर की तरह लगता है, एक लीगल सॉफ्टवेयर की तरह लगता है. एंड वंस इट ट्रिक्स अ यूजर इन टू इंस्टॉलिंग इट, इट एक्ट्स प्रेटी मच लाइक अ वायरस और वॉर्म. और जब यूजर क्या करता है, इसको एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर समझ के इंस्टॉल कर लेता है, तब ये लाइक अ वायरस, ये वायरस या वॉर्म की तरह वर्क करता है. ओके, A Trojan may look like a perfectly legitimate email that may even appear to be from a friend or a colleague, right? तो Trojan horse क्या एक बहुत ही चलाक malicious software है, ये आपके पास आएगा email की form में या किसी link की form में, right? और आपको लगेगा कि ये आपके किसी friend या colleague की तरफ से आपके पास ये email आया है, right? If a photograph, photograph की form में आ सकता है, sound file, sound file की form में आ सकता है, even a game, game की form में आ सकता है. तो Trojan horse क्या है, वो virus है, वो वर्म्स है जो अपने आप को हाइड करके रखते हैं. ओके, व्हेन द यूजर ट्राइज टू ओपन द फाइल इट गेट्स एक्टिवेटेड. तो जब यूजर क्या करते हैं, ऐसी फाइल्स को ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, ये वायरस एक्टिवेट हो जाता है, ट्रोजन हॉर्स एक्टिवेट हो जाता है. फाइन, जैसे आप क्या करते हो, आप ऑनलाइन गेम्स डाउनलोड करते हो, राइट? अगर आप क्या करते हो, लेजिटिमेट साइट से उनको डाउनलोड नहीं करते हो, तो उनके साथ ट्रोजन हॉर्स वायरस भी आ जाता है. Trojan or Trojan horses are the malicious code, right? Trojan horses क्या है, malicious code है which causes loss or even theft of data. तो ये क्या करता है, आपके data को चुराता है, right? When a Trojan horse is activated, it may access certain files. जब ये आपके system में आ जाता है, activate हो जाता है, तो ये आपकी files को access करता है, folders और even the entire system, और आपके folders को access करता है, इनफैक्ट वो आपके पूरे system को access कर लेता है, राइट? इट कैन स्टील अ विक्टिम्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड फॉरवर्ड इट टू अनदर लोकेशन. वो क्या कर सकता है, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील करके, चुरा कर, वो नेटवर्क के थ्रू कहीं और सेंड कर सकता है, राइट? The major difference between a virus and a trojan is that trojans do not replicate themselves. अब एक difference virus और trojan में क्या है, trojan अपने आप को replicate नहीं करते हैं, अपनी copies नहीं बनाते हैं. They have to be installed on a system unknowingly. ये क्या होते हैं, system पर install हो जाते हैं unknowingly, बिना किसी जानकारी के. Fine, जैसे मैंने अभी बताया, आपने कुछ कोई song download किया या photograph download की, या फिर आपके पास कोई mail आया तो आपने उस पर click कर लिया, right? तो इनके through trojan horse आपके system में install हो जाता है. राइट, रॉड एप्पल एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल विद डबल एक्सटेंशन लाइक रीड मी डॉट टी एस टी डॉट एस टी आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रोजन हॉर्स. तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल बताए गए, एक तो क्या है, रॉड एप्पल है, ट्रोजन हॉर्स का नेम है. फाइन, और ऐसी कोई फाइल जिसमें दो एक्सटेंशन हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे दी गई है रीड मी डॉट टी एस टी डॉट ई एस टी. तो ये फाइल्स क्या होती है, ट्रोजन हॉर्स फाइल्स होती है. ओके, नेक्स्ट इज एडवेयर. एंड एडवेयर इज अ मालवेयर डेट इज क्रिएटेड टू जनरेट रेवेन्यू फॉर इट्स डेवलपर. एडवेयर एक मालवेयर है, एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है जिसको क्रिएट किया गया है उसके डेवलपर के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, ठीक है. रेवेन्यू क्या होता है, इनकम जनरेट करने के लिए. फाइन, एंड एडवेयर डिस्प्लेस ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट यूजिंग पॉपअप्स. एडवेयर क्या करते हैं, ऑनलाइन जब आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो तो आपने देखा होगा एकदम से पॉपअप्स आ जाते हैं. पॉपअप्स होते हैं, एक छोटी सी स्क्रीन आ जाती है एडवर्टाइजमेंट की. ओके, वेब पेजेस और इंस्टॉलेशन स्क्रीन, राइट? तो यहाँ पे क्या करे, एडवेयर करता क्या डिस्प्ले करता है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करता है, वेब पेजेस डिस्प्ले करता है, स्क्रीन्स डिस्प्ले करता है. वंस एन एडवेयर हैज इन्फेक्टेड अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जब एडवेयर बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है, इट जनरेट्स रेवेन्यू. तो वो रेवेन्यू जनरेट करता है, इनकम जनरेट करता है, आइदर वे डिस्प्लेइंग एडवर्टाइजमेंट, या तो वो एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करके रेवेन्यू जनरेट करता है, और यूजिंग पे पर क्लिक मैकेनिज्म. ओके, या फिर पे पर क्लिक, जब जितना आप क्लिक करोगे किसी वेबसाइट पे या किसी एडवर्टाइजमेंट पे, उतना ही रेवेन्यू क्रिएट होता रहेगा. Mechanism to charge its client against the number of clicks on their displayed ads. तो जितना क्लिक होंगे एड, उतना ही रेवेन्यू क्रिएट होता रहेगा. तो एडवेयर यहाँ पे क्या करता है, पॉपअप्स, एड के पॉपअप्स आपको सेंड करता रहेगा, आप जितना उस पर क्लिक करोगे उतना ही उनकी इनकम जनरेट होती रहेगी. फाइन,
एडवेयर इज यूजली अनोइंग बट हार्मलेस. ये अनोय तो करता है, आपको तंग तो करता है, लेकिन इससे आपको कोई हार्म नहीं है. हाउ एवर इट ऑफन पेस वे फॉर अदर मालवेयर बाई डिस्प्लेइंग अनसेफ लिंक्स एज एडवर्टाइजमेंट. लेकिन ये आपके लिए रास्ता खोल देता है कि अगर मान लो आपने किसी एड पे क्लिक किया, लेकिन उस एड में क्या है, उस एड में मालवेयर है, तो क्या होगा, वो मालवेयर आपके सिस्टम में एंटर कर जाएगा, राइट. तो यहाँ पे ये क्या है, आपके लिए सेफ नहीं है. ऐसे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं. Here are some eco-friendly waste disposal techniques that you can use to dispose of electronic waste locally. तो यहाँ पे कुछ eco-friendly waste disposal techniques आपको बताई गई हैं जिनके हेल्प से आप electronic waste को dispose of कर सकते हैं. So first one is give your electronic waste to a certified e-waste recycler. हमेशा अपना electronic waste certified e-waste recycler company को ही दें, right? You need to find an e-waste recycler who is officially certified by the Basel Action Network. आपको ऐसा organization, ऐसी company find out करनी है e-waste recycle के लिए जो officially certified हो by the Basel Action Network. तो Basel Action Network क्या है? It is a non-profit organization of recycling companies. ये एक non-profit organizations है, okay? जो जिसके अंदर recycling companies आती हैं, which are dedicated to recycling e-waste in a safe and responsible way. जो इस वेस्ट को रिसाइकिल करती हैं इन अ सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल वे, एक बहुत ही सेफ तरीके से और रिस्पॉन्सिबल तरीके से, ओके. प्रिकॉशन टू टेक बिफोर डोनेटिंग और रिसाइकिलिंग योर इलेक्ट्रॉनिक्स. जब आप अपने इलेक्ट्रॉनिक को रिसाइकिल करने के लिए डोनेट करते हैं, उसको देते हैं, तो आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं. अपग्रेड योर कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ सिंपली रिप्लेसिंग इट. सबसे आप उसको रिसाइकिल करने से पहले देखें क्या आपका कंप्यूटर अपग्रेड हो सकता है, ओके. अपग्रेड योर कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ सिंपली रिप्लेसिंग इट. आप अपने सिस्टम को अपग्रेड भी करा सकते हैं. आप उस मान लो आपका डिवाइस है, आपके पास लैपटॉप है, आप उसकी रैम इंक्रीज करा सकते हैं, उसकी हार्ड ड्राइव में आप थोड़ा चेंजेस करवा सकते हैं, ओके. इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग इट, तो आप इसको अपग्रेड करा सकते हैं, फाइन. फॉर्मेट ऑल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर प्रोडक्ट्स बिफोर डिस्कार्डिंग इट. जब भी आप अपना कोई भी पर्सनल डिवाइस डिस्कार्ड कर रहे हैं, उससे पहले आपको उसके अंदर जितनी भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको फॉर्मेट कर देना चाहिए बिफोर गिविंग इट टू समवन फॉर रिसाइकलिंग इट, राइट. आप किसी को वो रिसाइकिल करने के लिए दे रहे हैं, उससे पहले आपको अपना पूरा डिवाइस फॉर्मेट कर देना चाहिए. टेक आउट द बैटरीज फ्रॉम योर गैजेट्स बिफोर गेटिंग रिड ऑफ देम. जब भी आप अपना डिवाइस किसी को दे रहे हैं रिसाइकिल करने के लिए, तो आपको उसके अंदर से बैटरीज को निकाल देना चाहिए, राइट. सेकेंड टेक्निक इज सेल ऑफ योर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी. अपनी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को रिसाइकिल करने की जगह आप उसे सेल ऑफ भी कर सकते हैं, बेच सकते हैं. एज द ओल्ड सेइंग गोज, वन मैंस जंक इज अनदर मैंस ट्रेजर. जैसे कि पुरानी कहावत होती है कि एक आदमी का गार्बेज जंग मटीरियल दूसरे आदमी के लिए ट्रेजर बन सकता है, खजाना बन सकता है. दिस कैन बी अप्लाइड टू हेल्पिंग यू गेट रिड ऑफ योर ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट. इसकी हेल्प से आप अपने ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक से छुटकारा पा सकते हैं. यू कैन टैप इनटू ऑनलाइन साइट्स. आप ऑनलाइन साइट्स पे जाके लाइक डिफरेंट ऑनलाइन साइट्स हैं, जैसे आपकी क्रेगलिस्ट हो गई, ईबे, और इवन रिसोर्ट टू हैविंग अ गैराज सेल, एज दिस विल हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ योर आउटडेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज अर्निंग सम मनी. तो इस तरीके से क्या है, आप अपने आउटडेटेड इलेक्ट्रॉनिक सामान से छुटकारा भी आपको मिल जाएगा और आपकी अर्निंग भी हो जाएगी, ओके. सो इंस्टेड ऑफ रिसाइकलिंग द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, यू कैन सेल ऑफ द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, राइट. नाउ वी हैव द थर्ड वन, डोनेटिंग योर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी. आप अपने आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को डोनेट भी कर सकते हैं, ओके. ओल्ड गैजेट्स दैट यू नो longer need can be donated as they may be useful to others. वो gadgets जो आप बहुत समय से use नहीं कर रहे हैं उनको आप donate कर सकते हैं, right? वो किसी और के काम आ सकते हैं. Your old computer may be useful to either an NGO or students. आपके पुराने devices, आपके पुराने computers NGO के काम आ सकते हैं, students के काम आ सकते हैं, okay? You should ask yourself two questions before disposing of your old electronics. अपने पुराने electronics को डिस्पोज ऑफ करने से पहले आप अपने आप से दो क्वेश्चंस पूछो. कौन से, इज द इलेक्ट्रॉनिक आइटम वर्किंग, क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम वर्किंग है. डज द कंप्यूटर हैव एनी ऑफ योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्या आपका कंप्यूटर, आपका डिवाइस जो भी आप डिस्पोज ऑफ करना चाहते हो उसके अंदर आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन तो नहीं है.
राइट, अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेसेस ऑफर इलेक्ट्रॉनिक डोनेशन प्रोग्राम्स. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डोनेशन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, विच यू कैन चूज़ फ्रॉम. और आप उनमें उनको चूज़ करके अपने आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, अपनी आउटडेटेड डिवाइसेस को डोनेट कर सकते हैं, जिससे किसी और की हेल्प हो सकती है. राइट, ओके. नेक्स्ट वन इज़ विजिट सिविक इंस्टीट्यूशंस. राइट, सिविक इंस्टीट्यूशंस आपका हो गया स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, राइट, पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज. ओके, जो सिविक इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं, जो सिटीजन से रिलेटेड होते हैं, सिटी से रिलेटेड होते हैं. ओके, इंक्वायर अमंग योर गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स फॉर एनी रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स दे रन. तो आपको इंक्वायरी करनी चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, क्या वो किसी तरह का रीसाइक्लिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं. एज लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैव स्टार्टेड असाइनिंग अ सर्टेन डे एंड प्लेस फॉर एनवायरमेंटली कॉन्शियस सिटीजन्स टू कम एंड ड्रॉप ऑफ देयर ईवेस्ट. क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने कुछ पर्टिकुलर डेज असाइन कर रखे हैं, कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस असाइन कर रखे हैं, राइट, ऐसे लोगों के लिए जो एनवायरमेंट के लिए कॉन्शियस हैं. राइट, ओके, ऐसे लोग अपना जो भी उनका आउटडेटेड इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं, राइट, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में. ओके, और ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, इनको या तो वो फर्दर डोनेट करते हैं या उनको रिसाइकल करते हैं. ओके, आपके लिए तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है. राइट, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेजर भी हो सकता है. राइट, नाउ गिव बैक टू योर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज एंड ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स. ओके, समटाइम्स क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो एक डील्स निकालती हैं कि आपके पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ वो आपको कुछ कंसेशन दे देंगे अगर आप न्यू डिवाइसेस, न्यू इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हो. फाइन, तो यहाँ पे देखो, अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज टेंड टू हैव एन एक्सचेंज पॉलिसी. बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो एक्सचेंज पॉलिसीज को निकालती हैं, वेयर बाय दे टेक बैक योर ओल्ड गैजेट्स व्हेन यू बाय अ लेटर वर्जन. यहाँ पे वो क्या करते हैं, आपके ओल्ड गैजेट्स को ले लेते हैं और जब वो न्यू वर्जन्स निकालते हैं. ओके, समटाइम्स ऑफरिंग यू अ डिस्काउंट ऑन योर न्यू परचेज. और इससे आपको क्या मिलता है, न्यू परचेज पे आपको डिस्काउंट मिलता है. ओके, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आउटडेटेड था उससे भी आपको छुटकारा मिल गया. ओके, एंड आपको न्यू वर्जन भी मिल गया. ओके, नाउ अ फ्यू रिसाइकलिंग कंपनीज हैव सेट अप इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉप ऑफ इनिशिएटिव्स अलोंग विद ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स. बहुत सारी रिसाइकलिंग कंपनीज हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है ऐसे पॉइंट्स बनाने का जहाँ पे लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं. ओके, फॉर प्रोडक्ट्स सच एज सेल फोन्स एंड टैबलेट्स आफ्टर विच दे आर रिसाइकल्ड. जैसे आपको अपना सेल फोन ड्रॉप ऑफ करना है, मतलब उसको रिसाइकलिंग ऑर्गेनाइजेशन को देना है, टैबलेट्स को देना है, तो आप ऐसी कंपनीज के जो उन्होंने पॉइंट्स बनाए हैं, मतलब एस प्लेसेस बनाए हैं, वहां पे जाके अपने डिवाइसेस को दे सकते हैं रिसाइकलिंग के लिए. ओके, यू कैन आस्क योर लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स रिगार्डिंग एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रॉप ऑफ लोकेशन. तो इसके रिगार्डिंग आप अपने लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप से पूछ सकते हैं कि ऐसे प्लेसेस कहाँ हैं, ऐसे पॉइंट्स कहाँ हैं जहाँ पे जाके आप अपने जो आउटडेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं. राइट, नेक्स्ट, सेफ गार्ड बोथ द एनवायरमेंट एंड योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. अब जब आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हैं, राइट, तो आपको यहाँ पे एनवायरमेंट को भी सेफ रखना है और अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भी सेफ करना है. राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ टूडे. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट द फ्लिप साइड इज द ई वेस्ट डेट कम्स अलॉन्ग विद इट. लेकिन इसका एक फ्लिप साइड क्या है, एक नेगेटिव साइड ये है कि इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी आपको मिलता है. जब तक चीज़ नहीं है, जब तक डिवाइस नया है तब तक तो अच्छा है, जब पुराना हो जाता है, वर्किंग नहीं है, तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है आपके लिए. ओके, सो मेक श्योर टू फॉर्मेट योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ देम इन अ प्रॉपर मैनर. मान लो आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप सही है, आपका इलेक्ट्रॉनिक अगर वो आउटडेटेड हो चुका है, पुराना हो चुका है, आप इसको डिस्पोज ऑफ करना चाहते हो, राइट, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डिस्पोज ऑफ करने से पहले आपको ये श्योर करना है कि आपकी कोई भी पर्सनल डेटा, आपका कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसमें ना रहे. राइट, एज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट डूइंग सो कैन बी पेनफुल. क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, आपने अपना डिवाइस किसी को भी दे दिया फॉर्मेट, बिना फॉर्मेट किए हुए, राइट, आपने ऑर्गेनाइजेशंस में भी जो
सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है उनमें भी आपने अपना डिवाइस दे दिया विदाउट फॉर्मेटिंग, वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कोई आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ करे, राइट तो यहाँ पे आपको दोनों साइड से सोचना है कि कैसे आप एनवायरनमेंट को सेव करोगे और आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डिस्पोज ऑफ करते टाइम कैसे अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को भी सेफ रखोगे. ओके, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ऑल्सो नोन एज ITA 2000 और द IT Act, राइट. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जिसको ITA 2000 या IT Act भी कहा जाता है इज एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. ये इंडियन पार्लियामेंट का एक्ट है जिसको नोटिफाई किया गया था 17 अक्टूबर 2000 में. ओके, इट इज़ द प्राइमरी लॉ इन इंडिया डीलिंग विद द साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. तो ये एक प्राइमरी लॉ है इंडिया का जो डील करता है साइबर क्राइम से एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से. साइबर क्राइम जो इंटरनेट पे जो भी क्राइम होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, बुलिंग होती है, उन सब से ये डील करता है. और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जितना भी सेल परचेस जो भी ट्रांसफर होता है डिजिटल डेटा, ओके, उसका एक्सचेंज होता है, वो सारा उसमें कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहां पर ITA एक्ट को लागू किया जाता है, फॉलो किया जाता है, राइट. इट कंसिस्ट्स ऑफ 94 सेक्शंस. इसके अंदर 94 सेक्शंस हैं डेट आर डिवाइडेड इनटू 13 चैप्टर्स एंड 4 स्केड्यूल्स, जो 13 चैप्टर्स एंड 4 स्केड्यूल्स में डिवाइड किए गए हैं. पर्सन्स ऑफ अदर नेशनलिटीज कैन ऑल्सो बी इंडिक्टेड अंडर द लॉ इफ द क्राइम इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर और नेटवर्क लोकेटेड इन इंडिया. तो यहाँ पे बोला जा रहा है वो लोग जो इंडियंस नहीं हैं, बाहर के हैं, फॉरनर हैं, राइट, उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है अगर उन्होंने ये क्राइम इंडिया में बैठ के किया है, इंडिया की डिवाइसेस का यूज करके किया है, इंडियन नेटवर्क का यूज करके किया है. ओके, नाउ इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट द साइबर लॉज इन इंडिया एंड प्रोविजंस फॉर लीगल एक्शन एंड पनिशमेंट हैव बीन एक्सप्लेन इन नटशेल इन द गिवन बिलो टेबल. तो यहाँ पे साइबर लॉज को एक टेबल की हेल्प से आपको समझाया जा रहा है नटशेल में. ओके, यहाँ पे कुछ सेक्शंस यहाँ पे बनाए गए हैं. 67A, इसमें इसके अंदर कौन सा ऑफेंस आता है, पब्लिशिंग इमेजेस कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट्स, राइट, ऐसी इमेजेस को पब्लिश करना जो कि सेक्सुअल एक्ट्स प्रेजेंट करती हो. ओके, तो यहाँ पे पेनल्टी क्या है अगर आप ऐसा करते हैं, फाइन, तो यहाँ पे पेनल्टी क्या है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स, 7 ईयर्स की पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट, जेल और फाइन अप टू 10 लाख, या फिर 10 लाख का आपको फाइन पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट सेक्शन है आपका 67B, पब्लिशिंग चाइल्ड पोर्न और प्रीडेटिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन. चाइल्ड पोर्न को पब्लिश करना, उनको पोस्ट करना, या फिर छोटे बच्चों को प्रीडेट करना, मतलब उनको भला फुसला के ऑनलाइन उनके साथ गलत काम करवाना, ठीक है. तो यहाँ पे पेनल्टी क्या है, क्या सज़ा मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स, 5 ईयर्स की जेल और फाइन अप टू 10 लाख, और 10 लाख का आपको फाइन देना सकता है ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, जब आपने ये फर्स्ट टाइम किया है. इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स, 7 साल की जेल और फाइन ऑफ 10 अप टू 10 लाख ऑन सेकेंड कन्विक्शन अगर आपने दोबारा वो काम किया है, राइट. नाउ सेक्शन है आपका 67C, फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स बाय द इंटरमीडियरीज, राइट. इंटरमीडियरी शैल प्रिजर्व एंड रिटेन रिकॉर्ड्स फॉर ड्यूरेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट्स क्या करता है, अपने डॉक्यूमेंट्स को, डेटा को पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस को अगर वो मेंटेन करने के लिए देता है, इंटरमीडियरीज ऑर्गेनाइजेशंस को, जो बीच की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लेकिन वो उस रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं कर पाती, वो उसको लीक कर देती हैं, राइट, या उन गवर्नमेंट का क्रूशियल डेटा हैक हो जाता है, इस केस में क्या पेनल्टी होगी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स और फाइन अप टू 2 लाख, राइट. तो 3 ईयर्स की जेल या 2 लाख का फाइन, राइट. नेक्स्ट है सेक्शन 68, फेलर और रिफ्यूज़ल टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स. अगर आप ITA एक्ट के ऑर्डर्स को कंप्लाई नहीं करते हैं, मींस उसके अकॉर्डिंग आप नहीं चलते हैं, राइट, तो यहाँ पे आपको पेनल्टी लगेगी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स, 7 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट, मतलब आपको सजा मिलेगी और पॉसिबल फाइन, या आपको कोई पॉसिबल फाइन मिलेगा. नेक्स्ट सेक्शन इज 69, फेलर रिफ्यूज़ल टू डिक्रिप्ट डेटा. अगर आप डेटा को डिक्रिप्ट करने से मना कर देते हैं या उसको नहीं कर पाते हैं,
आपका डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रेवल करता है नेटवर्क के थ्रू, राइट। अगर लेकिन अगर डेस्टिनेशन के पास डेटा पहुंचा और वहां पे आपने उसको डिक्रिप्ट करने से मना कर दिया या फिर आपने डिक्रिप्ट करने के लिए कुछ रैंसम अमाउंट मांगा, तो ये क्या है, ये एक क्राइम है, ओके। तो इसके लिए आपको इम्प्रिजनमेंट अप टू थ्री इयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या आपको फाइन हो सकता है अप टू 1 लाख, राइट। देन सेक्शन 70, सिक्योरिंग एक्सेस और अटेम्प्टिंग टू सिक्योर एक्सेस टू अ प्रोटेक्टिव सिस्टम। जब आप क्या करते हैं, जो हैकर्स होते हैं वो एक सिक्योर सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, मान लो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है उसको हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, इस केस में क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट और फाइन, राइट। सेक्शन 71, Whoever make any misrepresentation to or suppresses any material fact from the controller or the certifying authority for obtaining any license or electronic signature certificate। अगर आप लाइसेंस लेने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने के लिए कुछ भी आप गलत अपनी आइडेंटिटी शो करते हैं या आप कोई भी गलत काम की हेल्प से सर्टिफिकेशन लेते हैं, अथॉरिटी लेते हैं, उस केस में आपको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स और फाइन अप टू 1 लाख। मीन्स आप एक आप क्या करो, फेक आइडेंटिटी की हेल्प से सर्टिफिकेट ले रहे हो, राइट। आप आइडेंटिटी थेप करके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स ले रहे हो, तो उस केस में क्या है, आपको यहां पे पेनल्टी मिलेगी, राइट। 3 इयर्स की इंप्रिजनमेंट और 1 लाख रुपीज, फाइन, ओके। आईटी एक्ट 2000 अमेंडमेंट्स, आईटी एक्ट 2000 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, कुछ चेंजेस किए गए। अ मेजर अमेंडमेंट वॉज मेड टू आईटी एक्ट इन 2008, आईटी एक्ट में मेजर चेंज किया गया 2008 में। इट इंट्रोड्यूस सेक्शन 66A विच पेनलाइज सेंडिंग ऑफ ऑफेंसिव मैसेजेस। इसके अंदर सेक्शन 66A को इंक्लूड किया गया जहाँ पे ऑफेंसिव मैसेज के लिए भी पेनल्टी को इंक्लूड किया गया, राइट। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस सेक्शन 69, इसमें सेक्शन 69 को भी इंक्लूड किया गया विच गेव अथॉरिटी द पावर ऑफ इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स। तो यहाँ पे अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को ये पावर दी गई कि वो किसी को भी मॉनिटर कर सकते हैं थ्रू द नेटवर्क, राइट। जैसे मान लो दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कोई बात हो रही है या फिर दो लोगों के बीच में कोई बात हो रही है, तो यहाँ पे अथॉरिटी उनकी बातचीत को, उनकी कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर सकती है, ओके। इंटरसेप्ट मतलब हैक कर सकती है, ओके, और उनको मॉनिटर कर सकती है, उनकी बातचीत को, उनकी कम्युनिकेशन को सुन सकती है, राइट, और उसको रिकॉर्ड कर सकती है, राइट। और आप जो डेटा ट्रेवल होता है नेटवर्क के थ्रू वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ये अथॉरिटी दी गई कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट कर सके, वो जान सके कि कौन सा मैसेज ट्रेवल कर रहा है, किस डिवाइस से किस डिवाइस पे क्या मैसेज ट्रेवल किया जा रहा है, क्या मैसेज भेजा जा रहा है, ठीक है। तो डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स, तो वो किसी भी डिवाइस का कोई भी डेटा इंटरसेप्ट कर सके, मॉनिटर कर सके, क्रिप्ट कर सके, राइट। अमेंडमेंट्स ऑल्सो कंटेन पेनल्टीज, अमेंडमेंट्स में कुछ और पेनल्टीज को इंक्लूड किया गया फॉर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए, राइट। जो बच्चों के साथ गलत जो होता है, मतलब दिखाया जाता है, उसके लिए, ओके। साइबर टेररिज्म मीन्स भड़काऊ भाषण या टेररिज्म फैलाना नेटवर्क के थ्रू, उसके लिए पेनल्टीज को इंक्लूड किया गया। एंड वॉयरिज्म के लिए भी, राइट। वॉयरिज्म भी क्या होता है, इट्स एंजॉइंग द सेक्सुअल एक्ट, राइट। तो यहाँ पे ये सब भी कोई कर रहा है, तो अगर उसकी कंप्लेंट होती है तो उसके लिए भी पेनल्टीज हैं, राइट। द एक्ट वॉज पास्ड इन दिसंबर 2008, एक्ट को दिसंबर 2008 में पास किया गया एंड केम इनटू फोर्स इन अक्टूबर 2009, और ये एक्ट इम्प्लीमेंट होना कब स्टार्ट हुआ, अक्टूबर 2009 में, राइट। कंप्यूटर पढ़ाते हुए या यूज़ करते हुए कौन से जेंडर एंड डिसएबिलिटी इशूज़ आते हैं, जेंडर एंड डिसएबिलिटी इशूज़। जेंडर इशूज़ में क्या आएगा, मेल एंड फीमेल का डिफ्रेंशिएशन आएगा। डिसएबिलिटी इशूज़ कहाँ आएंगे, जब कोई डिसेबल व्यक्ति, एक विकलांग व्यक्ति कंप्यूटर को पढ़ाएगा या यूज़ करेगा, राइट। जेंडर एंड डिसएबिलिटी इशूज़ कैन अराइज वाई टीचिंग एंड यूजिंग कंप्यूटर्स इन वेरियस वेज, राइट। तो
कंप्यूटर पढ़ाते हुए या यूज़ करते हुए जेंडर एंड डिसेबिलिटीज़ इश्यूज बहुत तरीकों से आ सकते हैं. फर्स्ट आपका क्या है, एक्सेस, राइट. सम पीपल मे फेस बैरियर्स टू एक्सेस कंप्यूटर्स और द इंटरनेट ड्यू टू द लैक ऑफ द रिसोर्सेज. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत रुकावटों का सामना करना पड़ता है कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि इतने रिसोर्सेज उनके पास नहीं है. जैसे बहुत सारे रूरल एरियाज़ हैं, ओके, रिमोट एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ हैं, ओके, जहाँ पे कंप्यूटर्स को यूज़ करना इतना आसान नहीं है. फाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उन लोगों के पास, बिल्डिंग्स नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, स्किल्स एंड सपोर्ट नहीं है वहाँ पे. जैसे अलग अलग, जैसे क्या होता है, अर्बन एरियाज़ में इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे आप सीख सकते हो कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करना है, कैसे यूज़ करना है. वहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं है. वहाँ पे स्कूल्स हैं, वो भी बहुत एक प्रिविलेज्ड वाली बात है. सपोर्ट नहीं है, तो इस केस में क्या होता है, कंप्यूटर्स यूज़ करना, इंटरनेट यूज़ करना उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, वीमेन एंड गर्ल्स मे हैव लेस एक्सेस टू द कंप्यूटर्स देन मैन एंड बॉयज ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स. अब यहाँ पे देखो क्या होता है, गर्ल्स होती है, जो वुमेन्स होती है, वो उनके लिए कंप्यूटर एक्सेस करना एज कम्पेयर टू द बॉयज ज़्यादा डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. अब देखो, आप शहरों में देखोगे तो यहाँ पे बहुत इक्वलिटी है, बट आप विलेजेस में चले जाओगे वहाँ पे इतनी इक्वलिटी नहीं है. वहाँ पे गर्ल्स जो होती हैं वो स्कूल्स भी आई थिंक बहुत मुश्किल से जा पाती हैं, और थोड़ा मतलब क्या करते हैं वो विलेजेस की क्या मैंटेलिटी होती है. अभी तो देखो हर जगह सब बहुत से लोग बहुत ब्रॉड माइंडेड हो चुके हैं, बट जो पहले से जो एक कल्चर चला आ रहा है कि गर्ल्स को आप घर का काम सिखाओ फिर उनकी मैरिज कर दो, राइट. तो इस टाइप के कल्चर में क्या होता है, बॉयज़ को ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू द गर्ल्स, ओके. कल्चरल नॉर्म्स, वही जो जो सेट ऑफ बिहेवियर है, बिलीफ है, राइट, लोगों का सोसाइटी में वो चलता आ रहा है. और सेफ्टी कंसर्न्स, या फिर लोग सेफ्टी कंसर्न्स से नहीं भेजते अपनी गर्ल्स को. मान लो कंप्यूटर सीखना है, ओके, स्कूल में अवेलेबल नहीं है, बट आसपास कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है वो सिखा रहा है, तो वहाँ पे भी लोग सोचते हैं कि नहीं, अपनी बेटियों को भेजें या ना भेजें. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अर्बन एरियाज़, राइट. ये क्या होता है, जो रिमोट एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ हैं, जहाँ पे देखो बहुत ऑर्थोडॉक्स, मतलब ऑर्थोडॉक्स तो क्या कहेंगे, बट बहुत पुराना कल्चर फॉलो किया जाता है, राइट. तो वहाँ पे सेफ्टी कंसर्न से भी गर्ल्स को नहीं ज़्यादा इस तरफ भेजा जाता कि आप कंप्यूटर सीखो या कुछ और सीखो. इसके बजाय उनको कहा जाता है आप घर का काम करना सीखो, राइट. सिमिलरली, पीपल विद डिसएबिलिटीज मे हैव लेस एक्सेस टू द कंप्यूटर्स. यही क्या होता है, विकलांग लोगों के साथ होता है, वो कंप्यूटर्स को बहुत ईजिली एक्सेस नहीं कर सकते देन द पीपल विदाउट द डिसएबिलिटीज, ओके, एज कम्पेयर टू द पीपल जिनको कोई डिसएबिलिटी नहीं है ड्यू टू द फिजिकल, क्योंकि उनका फिजिकल जो होता है प्रॉब्लम, उसकी वजह से. सेंसरी प्रॉब्लम जो उनको होती है, सेंसरी में क्या होता है, जैसे मान लो उनका कोई सेंसरी ऑर्गन वर्क नहीं कर रहा, उनकी साइट प्रॉपर नहीं है, हियरिंग प्रॉपर नहीं है, या स्मेल, टच, टेस्ट, ये जो जितने भी प्रॉब्लम्स आती है सेंसरी के अंदर आती हैं, राइट. कॉग्निटिव प्रॉब्लम है, कॉग्निटिव प्रॉब्लम क्या होता है, चीज़ों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, राइट. इस केस में वो कंप्यूटर को इजीली यूज़ नहीं कर सकते, ओके. एंड एटीट्यूडिनल बैरियर्स, एटीट्यूडिनल बैरियर्स क्या होता है, बिहेवियरल बैरियर्स होते हैं, ओके, जहाँ पे क्या होता है, खुद के अजम्पशंस बना लेते हैं लोग, राइट, खुद के परसेप्शंस बना लेते हैं, ओके. तो यहाँ पे क्या है, इस वजह से गर्ल्स के लिए और डिसेबल पीपल के लिए कंप्यूटर्स को एक्सेस करना बहुत डिफिकल्ट है, राइट. नेक्स्ट क्या है आपका, रिप्रेजेंटेशन. सम पीपल मे फेस स्टीरियोटाइप्स और बायसेस इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर जेंडर और डिसएबिलिटी इन कंप्यूटर रिलेटेड कंटेंट, मीडिया और कम्युनिकेशन, राइट. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्टीरियोटाइप या बायसनेस का सामना करना पड़ता है. स्टीरियोटाइप क्या होता है, स्टीरियोटाइप होता है घिसी पिटी या धारणा, ठीक है, घिसी पिटी या आप कह सकते हैं रूढ़ीवादी विचार, राइट. तो यहाँ पे बायसनेस का सामना करना पड़ता है, ओके, जब किसकी बात आती है, कंप्यूटर रिलेटेड कंटेंट की आती है या मीडिया की आती है या कम्युनिकेशन की आती है. अब ये कैसे होता है, देखो, फॉर एग्जाम्पल, वीमेन एंड गर्ल्स मे बी अंडर रिप्रेजेंटेड और मिस रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर साइंस एजुकेशन, करियर्स और रोल मॉडल्स. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जब बात आती है कंप्यूटर साइंस एजुकेशन की, करियर्स की, या रोल मॉडल्स की कंपनीज में, मोस्टली देखो स्कूल्स में तो आप देखोगे आपको कंप्यूटर साइंस मोस्टली टीचर्स ही, लेडी टीचर ही आपको पढ़ाती मिलेगी,
और बहुत अच्छा पढ़ाती मिलेगी, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो कंपनीज होती है वहाँ पे क्या होता है, जो मेल होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, राइट, और जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं उनको अंडर रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अंडर रिप्रेजेंट किया जाता है मतलब उनको एक हाई लेवल, जैसे मेल्स को होता है उनको हाई लेवल पे उनको प्रेजेंट किया जा रहा है, फाइन। यहाँ पे फीमेल को नीचे रखा जाता है एज़ कम्पेयर टू द मेल, राइट। जहाँ पे साइंस एजुकेशन की, कंप्यूटर साइंस एजुकेशन की बात है, करियर्स की बात है, रोल मॉडल्स की बात है। सिमिलरली पीपल विद डिसेबिलिटीज मे बी अंडर रिप्रेजेंटेड और मिस रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर रिलेटेड इमेजेस, स्टोरीज एंड पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, मान लो कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, उसे अपना एड देना है, तो वो क्या करेगा, किसी अच्छे से क्वालिफाइड, मतलब कोई अच्छा सा चेहरा एज अ मॉडल लेगा, वो किसी भी डिसेबल पर्सन को अपने ऐड का फेस नहीं लेगा, राइट। तो यही बताया जा रहा है कि रिप्रेजेंटेशन में भी किसी भी फील्ड में, चाहे वो कंपनी फील्ड हो या कंप्यूटर साइंस एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड हो, ओके, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। मेल जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाता है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल कैंडिडेट्स एंड डिसेबल पर्सन, राइट। देखो मैं जो कहूँगी ना वो इतना अब नहीं है, ये पहले तो होता होगा बट अभी मुझे नहीं लगता है कि इतना होता है, क्योंकि आजकल गर्ल्स हर फील्ड में है, ओके, बट ये आपका एक 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 छोटा सा टॉपिक दिया गया है पढ़ने के लिए, आपके सिलेबस में डाला गया है, तो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं थे और हो सकता है कुछ जगह ये पॉइंट्स अभी भी हों, राइट। तो इसको आप पढ़ो, और अगर ये टॉपिक आता है तो आप ऐसा लिख सकते हो कि हाँ एक्सेस में प्रॉब्लम आती है, जो गर्ल लेडीज़ होती हैं और डिसेबल लोग होते हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता ढंग से एज़ कम्पेयर टू द अदर पीपल, राइट। ओके, नेक्स्ट आपका है पार्टिसिपेशन, राइट। सम पीपल मे फेस डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन इन द पार्टिसिपेशन ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। कुछ लोगों को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, भेदभाव का सामना करना पड़ता है, एक्सक्लूजन का, उनको इग्नोर किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, ओके, जब किसकी बात आती है, कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को करने की बात होती है, सच एज़ लर्निंग, कंप्यूटर को लर्न करना, पढ़ाना, राइट, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग और यूजिंग कंप्यूटर्स, या जैसे मोस्टली क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बॉयज़ होते हैं, बोला जाता है बॉयज़ आर बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बट आई डोंट थिंक सो, कि गर्ल्स भी बहुत अच्छी होती हैं प्रोग्रामिंग में, बट ऐसा कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है, देखो 80% बॉयज़ आ गए, 20% गर्ल्स आ गई, तो वहाँ पे अपने आप डिस्क्रिमिनेशन हो गया, राइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल वीमेन एंड गर्ल्स में फेस हैरेसमेंट और हॉस्टिलिटी इन कंप्यूटर साइंस क्लासरूम्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और वर्कप्लेस। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वुमेन एंड गर्ल्स, जो लड़कियाँ होती हैं, औरतें होती हैं, उनको हैरेसमेंट को फेस करना पड़ता है, राइट। ओके, हॉस्टिलिटी को, हॉस्टिलिटी को मीन्स उनको एक शत्रुता का को फेस करना पड़ता है, शत्रुता इन द सेंस अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी तो उनको पीछे हटा दिया जाता है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस क्लासरूम हो, ऐसा वैसे होता नहीं है, मैंने 12 इयर्स पढ़ाया है, अभी पढ़ा रही हूँ, कंप्यूटर साइंस क्लासरूम में ऐसा कुछ नहीं होता, फिर भी यहाँ लिखा हुआ है तो होता होगा, कुछ स्कूल्स में होता होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बॉयज़ को, ऑल्दो जो मेरा, जो मैंने देखा है, अभी मैं 12 इयर्स मेरे हो चुके हैं पढ़ाते हुए, तो जो क्लासेस होती हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें लड़कियाँ अच्छे से पढ़ रही होती हैं, बॉयज़ कम ध्यान देते हैं, फिर भी अगर बॉयज़ ये देख रहे हैं तो बुरा ना माने, बट बच्चे बॉयज़ थोड़े होते हैं नोटी होते हैं, राइट, गर्ल्स थोड़ी सिंसियर होती हैं, ओके। तो यहाँ पे लेकिन ये कहा गया है कि साइंस क्लासरूम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या वर्क प्लेसेस पे क्या होता है, गर्ल्स को डिस्क्रिमिनेशन का, हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, उनको लेस पार्टिसिपेट किया जाता है कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। सिमिलरली पीपल विद डिसेबिलिटीज़ में फेस इन एक्सेसिबिलिटी और इनविजिबिलिटी इन कंप्यूटर रिलेटेड करिकुला, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सर्विसेज। ऐसे ही सेम जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए, जो उनके लिए ये जो कंप्यूटर्स है उसको एक्सेस करना मुश्किल है, राइट, और कंप्यूटर करिकुला या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या सर्विसेज को वो इजली उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मान लो किसी को विजन में प्रॉब्लम है या हेयरिंग में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर फॉर्मेशन या हार्डवेयर में उसको क्या होगा, जो डिसेबल पर्सन होगा उसको उस पर्टिकुलर चीज़ को हैंडल करने में प्रॉब्लम आएगी, राइट।
नेक्स्ट है आपका एम्पावरमेंट. सम पीपल में फेस चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज इन द एम्पावरमेंट ऑफ देयर जेंडर और डिसएबिलिटी थ्रू कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज. राइट, कुछ लोगों को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. ओके, जिसके अंदर क्या, कहाँ पे एम्पावरमेंट करने के लिए, मतलब अपने 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 आप को ऊपर उठाने के लिए. राइट, जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डिसेबिलिटी प्रॉब्लम है, वहाँ पे कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में अपने आप को पावरफुल करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ को और चैलेंजेस को फेस कर, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए, चैलेंजेस को फेस करने के लिए, राइट, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, वीमेन एंड गर्ल्स में यूज़ कंप्यूटर्स टू चैलेंज जेंडर नॉर्म्स. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वीमेन और गर्ल्स हैं, मतलब औरतें और लड़कियाँ हैं, वो कंप्यूटर्स का यूज़ कर सकती हैं जेंडर नॉर्म्स को चैलेंज करने के लिए, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको चैलेंज करने के लिए, एक्सप्रेस देयर आइडेंटिटीज़, अपनी आइडेंटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, और एक्सेस इन्फॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़, और इन्फॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेस करने के लिए, उनको लेने के लिए. ओके, सिमिलरली पीपल विद डिसेबिलिटीज़ में यूज़ कंप्यूटर्स टू एनहेंस देयर एबिलिटीज़. ऐसे ही जो डिसेबल पर्सनस होते हैं, वो कंप्यूटर का यूज़ करें अपनी एबिलिटीज़ को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कम्युनिकेट देयर नीड्स, अपनी नीड्स को बताने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, और एडवोकेट फॉर देयर राइट्स, और अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए. फाइन, ओके. देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस जेंडर एंड डिसएबिलिटी इशूज़. तो जेंडर एंड डिसएबिलिटीज इशूज़ के ऊपर इसीलिए बात होनी चाहिए, इसलिए उसको एड्रेस करना चाहिए. राइट, एड्रेस करना क्या होता है, उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए वाइल टीचिंग एंड यूजिंग कंप्यूटर. जब आप कंप्यूटर्स पढ़ा रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, बाय अडॉप्टिंग अ जेंडर सेंसिटिव, आपको जेंडर सेंसिटिव एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, जहाँ पे दोनों इक्वल हो, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इक्वल हों, एंड डिसएबिलिटी इंक्लूसिव अप्रोच. और डिसएबिलिटी इंक्लूसिव अप्रोच मीन्स वहाँ पे डिसेबल लोगों के लिए एक ऐसा अप्रोप्रिएट एटमोसफियर होना चाहिए, राइट, जिसमें वो आसानी से काम कर सकें. डेट रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, राइट, जहाँ पे क्या हो, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट हो, मतलब डाइवर्सिटी मीन्स मेल फीमेल, ओके, डिसेबल एबल, उन सब में, उन सब की रिस्पेक्ट हो. कोई जितना भी देखो, हर इंसान इक्वल नहीं है, हर किसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, राइट. तो ऐसा एटमोसफेयर हो जहाँ पे डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट हो, प्रमोट्स इक्वलिटी, और इक्वलिटी को प्रमोट किया जाए, एंड एंश्योर एक्सेसिबिलिटी, और एक्सेसिबिलिटी को एंश्योर किया जाए कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, डिसेबल हो एबल हो, वो आसानी से कंप्यूटर्स को पढ़ सके या पढ़ा सके. ओके ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.